हेलो आवाज आ रही है अभी क्लियर यस yes, बताओ अब आवाज क्लियर है आवाज आवाज क्लियर है सभी को आ गई आ गई आगे 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 नहीं नहीं, नहीं लाइफ में पेशेंस रखा करो बहुत कुछ मिलता है तो यहाँ पे यहाँ आ गई आवाज आ गई यस 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 तो अरे सतीश इसमें सॉफ्टवेयर चालू कर देना और इधर मैंने यूट्यूब पे रखा है उसमें सॉफ्टवेयर चालू कर दे वो बाद में करके ले लेके आ जाओ और रिकॉर्डिंग रिस्टार्ट कर हाँ। चलिए सो so, दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन आर यू रेडी तो सबसे पहले एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ लंबी सांस लो और कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ।, अच्छा हुआ और जो भी होगा, जो भी होगा। बहुत अच्छा होगा आए हम कुछ अच्छा करना है सो so दोस्तों चलिए आज का सेशन की शुरुआत करते हैं तो शु। अगर शु। भाई साहब कोई बात नहीं करेगा अभी ऑलरेडी लेट हो चुके हैं हमें अब सेशन स्टार्ट करना है और आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा जो भी आपने आदतें लगा के रखी है सब बंद करो हाँ ओके okay. तो और स्पेशली चिल्लाने वाली आदत है so, सो दोस्तों यहां पे आज का हमारा पहला सेशन है जीएसटी का जीएसटी गुड्स एंड टैक्स और जीएसटी आपको मैं पढ़ाने वाला हूं थोड़ा बहुत आपने नाम तो सुना ही होगा यस थोड़ा बहुत अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दू माई सेल्फ सी ए विशाल भट्ट सो so, दोस्तों जीएसटी पढ़ाना मैंने जीएसटी नहीं तब एक्साइज था कस्टम्स था सर्विस टैक्स था और वो पढ़ाना शुरुआत किया 2004 में और जर्नी 2004 से अभी तक चालू है लगभग अप्रोक्सीमेटली 20 साल होते आ रहे हैं और पिछले 20 साल में मैंने बस एक ही सब्जेक्ट पढ़ा और वो है आई ठीक है वो है आई फाइनल इंटर प्रैक्टिस सब कुछ इसमें ही है मेरा आई में आप कह सकते हो कि माई फर्स्ट वाइफ इज आई सिर्फ ये रिकॉर्ड करके इंस्टा पे मत डालना नहीं तो यह गड़बड़ हो जाएगी ठीक है तो चलिए हाँ आ, ये जो आई सब्जेक्ट है मैं आपको कह दू बहुत इजी है स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है बस आप जो मैं कहता हूं जिस तरह से कहता हो जो होमवर्क आपको देता हो वो आप करो तो डेफिनेटली आपको आई जैसे 50 मार्क्स का जीएसटी है तो आप 40 प्लस स्कोर कर पाओगे सो so, दोस्तों प्लीज आ, मैं आप सभी को बता दूं कि आप यहाँ पे अपने लिए हो मेरे लिए नहीं ओके okay, मैं अपना पढ़ाना कंटिन्यू रखूंगा आपका अगर ध्यान नहीं है तो वो आपका नुकसान इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं रहा ज्यादा तो मैं सह नहीं पाता तो यहाँ पे ज़्यादा तक देखा जाए तो अब ये आप पे है कि आप कितना मेरे से यहाँ पे चीजों को एब्जॉर्ब करते हो हर चीज आपको बता होगा जो जीएसटी में मजेदार है इवन प्रैक्टिकल लाइफ में भी जीएसटी किस तरह से हैंडल किया जाता है केस लॉस कैसे हैंडल प्लीज डोंट टॉक इन बिटवीन प्लीज डोंट टॉक इन बिटवीन यू आर हियर नॉट टू वेस्ट यूर टाइम यू आर डूइंग यूर प्रोफेशनल कोर्स यू आर हियर ओके जहां तक जिस बेटा बैठो फटाफट बैठो और लेट क्यों हो गए तो यहां पे आप जो है एक इंडिया की टफेस्ट एग्जाम दे रहे हो जिसके लिए यहाँ आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से एब्जॉर्ब करने के लिए बैठे हैं। दोस्तों जितनी मस्ती करनी थी आपने स्टार्टिंग में कर ली अब हमारे पास लिमिटेड टाइम है और इस लिमिटेड टाइम में हमको विदिन टाइम सिलेबस को कंप्लीट करना है इम्पॉर्टेंट है कि आपको अब रिवीजन के लिए भी टाइम मिलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिल रहा है सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही है तो वो सिचुएशन में इतना सब कुछ कर जो आपने किया स्टार्ट से मेहनत की क्लासेस के उसका कोई भी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा इसलिए दोस्तों मैं ये चाहूँगा कि नो डाउट जी में हम जो है मस्ती तो करेंगे पर टू सम लिमिटेड एक्सटेंड हमें विद इन टाइम जो हमारा कमिटेड टाइम है उस टाइम पीरियड में सिलेबस को कंप्लीट करना है नेक्स्ट अब आते हैं थोड़ा जीएसटी एस की तरफ जीएसटी ये लॉ जो है 2017 में लाया गया उसके पहले एक्साइज था कस्टम्स था कस्टम्स तो आज भी है एक्साइज था सर्विस टैक्स था वैट था और सारे ऐसे जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है सबको मर्ज करके लाया गया बेटा जीएसटी और दोस्तों जीएसटी सच में एक वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट और आप जो है ओके okay, इसको अगर धीरे धीरे एब्जॉर्व करोगे और जिस तरह से मैं आपसे राइटिंग प्रैक्टिस करवा के लूंगा जिस तरह से मैं आपका क्वेश्चनर प्रैक्टिस करवा के लूंगा अगर आप सीरियसली मेरे साथ करते हो तो डेफिनेटली हम मिलकर एक अच्छा स्कोर आपका ला सकते हैं ठीक है ना आज का सेशन थोड़ा इंट्रोडक्टरी सेशन है और जहां तक सीनियर से भी आपने सुना होगा आ, मैं मेर, मेरे कॉन्सेप्ट जो है और मेरा जो एक्सप्लेनेशन है धीरे धीरे पकड़ लेता है अगर आप ये सोच रहे हो कि फर्स्ट लेक्चर में कुछ कमाल हो जाए मजा आ जाए मस्ती हो जाए तो ऐसा होने वाला नहीं है तो धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे आपको समझ में आते आएगा कि जीएसटी रियली really क्या है ठीक है सो so, दोस्तों यहाँ पे वैसे भी देखो मैं आपको यही कहूँगा कि कोई भी चीज़ अगर फास्ट करते हो तो जल्दी ख़त्म हो जाती है चीज़ धीरे धीरे होनी चाहिए तो यहाँ पे सर कॉन्सेप्ट नालायक क्या हाँ जहाँ तक है कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से समझना है तो डेफिनेटली हम जो है जीएसटी को यहाँ उसी तरह से आगे बढ़ाएंगे सी इंटर में अगर हम देखें

हेलो अब आवाज आ रही है चलो बिल्कुल चुप न तो यहाँ पे टैक्सेशन में अगर हम बात करें ए भाई वो कॉर्नर में इधर ध्यान दे वैसे तो मैं दिख नहीं रहा हूं स्क्रीन की तरफ देख हाँ तो अब यहाँ पे टैक्सेशन ग्रुप वन में जहां तक डायरेक्ट आए इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्ट टैक्स आपको 50 मार्क्स के लिए और इनडायरेक्ट टैक्स आपको 50 मार्क्स के लिए तो भाई साहब अब ये जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस 50 मार्क्स का हो चुका है और स्कोरिंग भी है तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए फिफ्टी होना चाहिए जो चिल्ला रहा है बेटा आके बोल मिलना बाद में पर अच्छी बात है ओके जहां तक फिफ्टी आपका टारगेट होगा तब जाके फोर्टी फाइव आएंगे तो यहाँ हमको मिनिमम फोर्टी फर्स्ट का टारगेट लेना है और वो अचीव हो सकता है तो जहां तक देखा जाए आपका पेपर स्ट्रक्चर कैसे होगा वैसे तो आपको टैक्सेशन में बताया होगा तभी थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ हंड्रेड मार्क का आपका पेपर रहता है जिसमें थर्टी मार्क्स के आपके एम होते हैं और सेवनटी मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं पर मैं आपको कह दूँ कि फिफ्टी मार्क्स फिफ्टी मार्क्स का जो हमारा जीएसटी है उसमें से पंद्रह मार्क के जो है किस में चले गए एम में एम की प्रैक्टिस हम जो करेंगे वो टेस्ट के फॉर्म में करेंगे ओके okay, यानी यहाँ पे जो टेस्ट होगी हमारी वो एम सी क्यू होगी आपकी राइटिंग प्रैक्टिस पे भी टेस्ट ली जाएगी पर मैं हर दो तीन दिन में जो टेस्ट लूँगा ओके माइट बी लास्ट हाफ आवर वगैरह वो किस पे हम लेंगे एम सी क्योंकि बेटा 15 मार्क्स ये अच्छा खासा वेटेज है और अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है एम सी क्यू की फिफ्टीन मार्क्स की तो डेफिनेटली uh, आप अबोव फोर्टी क्रॉस कर सकते हैं नेक्स्ट uh, जो है सर एम के लिए क्या स्पेशली हमें पढ़ना जरूरी है तो मैं आपको ये बता दूँ ओके एम सी आपके कॉन्सेप्ट बेस होते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हमने यहाँ डिस्कस कर लिए तो एमसीक्यू आप इजीली हैंडल कर सकते हो और जितने भी अच्छे एमसीक्यू जो इंस्टीट्यूट के हैं एग्ज़ाम में पूछे हैं उस सब पे हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे ठीक है तो यहाँ पे जहाँ तक है अब बच्चे थर्टी थर्टी फाइव मार्क्स ओके एम सी प्य निकाल दिया जाए तो अब आपका एक सवाल हो सकता है कि सर ये बताइए आई डी टी थेरोटिकल सब्जेक्ट है क्या हमें वर्ड टू वर्ड लर्न करना पड़ेगा लाइक अ लॉ या फिर लाइक अदर सब्जेक्ट ऑडिट एक्सेट्रा तो मैं कह दूँ कि आई डी टी यहाँ पे कम्प्लीट थेरोटिकल नहीं है थर्टी फाइव में से ट्वेंटी फाइव मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं ठीक है थेके? तो ट्वेंटी फाइव मार्क्स के अगर न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं सिर्फ उसमें आप नोट्स कैसे लिखते हो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको नोट्स लिखना आ गया और उसके ऊपर प्रैक्टिस करना आ गया तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे न्यूमेरिकल में ट्वेंटी फाइव में से ट्वेंटी एमसीक्यू में और थेरी दस से पंद्रह मार्क उससे ज़्यादा नहीं है इसलिए सब्जेक्ट पढ़ते वक्त अप्रोच बहुत क्लियर रखना कि आपको यहाँ पे लर्निंग पार्ट से ज़्यादा अप्लीकेशन पार्ट है कि आप कैसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं इसलिए ये प्रॉब्लम इसमें पीछे मत पड़ना कि भाई अरे यार ये लर्न करना पड़ेगा फिर वर्ड टू वर्ड लर्न रहेगा क्या मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है मैं प्रॉपर प्रेजेंट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा मैं वर्ड्स को भूल जाता हूँ लीगल लीगल लैंग्वेज मुझे लिखते नहीं आती है ओके लीगल लैंग्वेज याद नहीं आती है कॉन्सेप्ट तो समझे हुए होते हैं ओके मैं ये सारे आपके डर जी में निकाल दूंगा वो मेरी जिम्मेदारी आपको मैं गारंटी देता हूँ कि जी आपका वन ऑफ द इजिएस्ट सब्जेक्ट बन जाएगा जिसमें आप ईजी ओके okay, ये अपने आप को कॉन्फिडेंटली कह पाओगे कि यस मैं इसमें अच्छा स्कोर कर सकता हूँ लेकिन उसके लिए जो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा जैसे चार्ट की प्रैक्टिस करवाऊंगा हो होमवर्क दूंगा या राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे ये सारी चीज़ें करने के बाद ही ये सब्जेक्ट आपका इजी हो सकता है और जीएसटी सिर्फ आपको एग्जाम के हिसाब से नहीं पढ़ना है बेटा जीएसटी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ओके okay, जब जैसे ही आप यहां पे इंटर पास हो जाओगे आर्टिकल शिप ज्वाइन करोगे तो आर्टिकल शिप में सबसे पहले ओके okay, अगर आपका नॉलेज चेक किया जाएगा तो किसका जीएसटी आज जीएसटी वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट चेंजिंग सब्जेक्ट है जिसका नॉलेज होना बहुत बड़ी बात है आप जैसा इनकम टैक्स पढ़ते तो इनकम टैक्स में क्या होता है इनकम टैक्स में एक बार फाइनेंस एक्ट आ गया तो साल भर वो चलता है पर जीएसटी में आ, हर मंथ में जीएसटी काउंसिल मीटिंग होती है जी एस चेंजेस आते रहते हैं मैंने भी आपको जो नोट दिया पूरा सेट नहीं दिया है क्योंकि मुझे सारी अमेंडमेंट्स अक्टूबर तक की इसमें कवर करनी है जो अभी अपडेशन में चालू है क्वेश्चन एयर भी चालू है हम बात करेंगे उसके बारे में तो यहाँ पे सबसे ज्यादा चेंजिंग लॉ आज अगर इंडिया का है तो वो है जीएसटी और मैं ऐसा वैसा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता ठीक है तो जहां तक है आ, तो सारे चेंजेस को हम कवर करेंगे सर अमेंडमेंट्स कैसे कवर होगी हमारा आइटे मे ट्वेंटी फोर है नवंबर ट्वेंटी फोर है तो मैं आपको यह बता दूं कि अमेंडमेंट्स हमारी सब कवर हो जाएगी स्पेशली फॉर मे ट्वेंटी फोर एग्जामिनेशन आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे तो चलिए दोस्तों ओके थोड़ा मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ जीएसटी का जीएसटी का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा दोस्तों यहाँ पे जीएसटी के टोटल जो एक्ट है हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जीएसटी पढ़ने वाले हैं और जीएसटी के टोटल पांच एक्ट हैं ओके okay, थोड़ा एक्ट को हम देख लेते हैं कौन कौन से एक है सीजीएसटी सीजीएसटी का मतलब क्या होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये तो अभी बच्चे बच्चों को पता है ओके okay, यहां पे वो बिल में देखता है सीजीएसटी एसजीएसटी और क्या आईजीएसटी ओके okay, तो सीजीएसटी एक्ट 2017 हम यहां पढ़ने वाले हैं एसजीएसटी एक्ट 2017 थाउजेंड मतलब स्टेट एक होता है यूटी जी जिसके बारे में आपको थोड़ी कम जानकारी हो सकती है यू टी मतलब यूनियन टेर जैसे आज अगर आप महाराष्ट्र में बिल लेते हो तो महाराष्ट्र में बिल लेते वक्त क्या लगता है सी और एस बिल देखो कभी सी और एस पर अगर आप चंडीगढ़ जाते हो और चंडीगढ़ जाने के बाद वहां पे आप कुछ खरीदते हो तो चंडीगढ़ जाने के बाद वहां जब कुछ खरीदोगे तो वहां सी और यू टी रहेगा वो एस नहीं आप अंदमान निकोबार जाते हो द्व दमन जाते हो जो यूनियन टेरिटरी है तो वहां पे आपको एस जी एस टी के जगह क्या वर्ड दिखेगा यूटी क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी ओके दे आर नॉट द स्टेट तो वो जो है यूटी जीएसटी लगाते हैं सी जी एस टी तो सब में कॉमन होता है फिर वो महाराष्ट्र हो या अंदमान निकोबार हो okay, ओके उसके बाद में ओके <coughs> okay, यहां पे आई जी एस टी इंटीग्रेटेड एंड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस अब देखो ये जो सी जी एस टी एस जी एस टी और एस जी एस टी या यूटी जी जो भी अगर यूटी होगी तो यूटी स्टेट होगा तो स्टेट ये लगता है आपके इंट्रा स्टेट सप्लाई मैं मैं जो भी अभी कह रहा हूं ये जस्ट हम ब्रॉड व्यू ले रहे हैं एक एक वर्ड को इंट्रा वर्ड आया ही कैसे हम इतना डेप्थ में जाए इंटर वर्ड आया ही कैसे हम उतना डेप्थ में जाएंगे डोंट वरी फॉर दैट बस एक ब्रॉड सेंस में आपको यहां पे क्या वो, एक ओवरऑल व्यू दे रहा हूं तो ये जो लगता है सी जी ये किसके ऊपर लगता है बेटा इंट्रा इंट्रास्टेट और ओके आई जी एस टी ये जो लगता है वो किस पे लगता है इंटरस्टेट ओके इंटरस्टेट भाई ये इंट्रा और इंटरस्टेट क्या है मतलब स्टेट है महाराष्ट्र महाराष्ट्र के अंदर सप्लाई होता है सेल होता है तो उसे कहा जाता है इंट्रा कमन महाराष्ट्र के अंदर सप्लाई होता है उसे कहा जाता है इंट्रा चलो एक रफ बुक लो एक रफ बुक आपको साथ में रखनी है ओके okay, जो जो मैं कहूँ वो हाँ अब आपको ये भी बता दूंगा अभी तो रफ में लिखो फिर आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या रेफर करना है कितनी नोटबुक रेफर करना है मेरे साथ साथ आगे मैंने पूरा फॉर्मेट लिया है ओके okay, तो मैं उसमें आपको बता दूंगा अभी तो आखिरी पेज पर पे रफ में लिखो जस्ट मेरे साथ इन्वॉल्व होने के लिए और जो ऑनलाइन कनेक्टेड है ओके okay, वॉइस आ रहा है ना क्लियर यस yes. वॉइस यूट्यूब पे यूट्यूब पे क्लियर है फिर ये वॉइस का प्रॉब्लम क्यों बता रहे हैं सो हाँ। so, दोस्तों और अभी नालायक को कौन से पढ़ो ऐप पे कितने लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे कितने लोग देख रहे हैं फेस टू फेस कितने लग रहे हैं फिर कैलकुलेटर लिया फिर कैलकुलेशन किया दो क्यों खींच के ओके यहाँ पे पढ़ो चुपचाप तो यहाँ जहां तक देखा जाए तो अब यहाँ पे लिखो इंटरेस्टेड लिखो लिखो बस मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाओ इंटरेस्टेड प्रैक्टिस करो अभी रफ में करो फिर मैं आपको फेयर बुक कितनी मेनटेन करने में बताऊंगा इंट्रा इंट्रा मतलब क्या ओके इनसाइड द स्टेट विद इन या इनसाइड लिखो विद इन या इनसाइड द स्टेट विद इन या इनसाइड द स्टेट और दूसरा इंटर स्टेट इंटर स्टेट मतलब फ्रॉम लिखो लिखो फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर स्टेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर स्टेट ठीक है तो बेटा यहां पे जो है अगर आप इंट्रा करते हो तो आपको दो टैक्स लगते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी और इंटरस्टेट जो है तो इंटरस्टेट में आपको लगता है आईजीएसटी पर बहुत से स्टूडेंट गलती क्या करते हैं और यहां गलती आपसे नहीं होनी चाहिए इसलिए सभी ने ध्यान देना वो कॉर्नर से वो कॉर्नर तक जैसा आईजीएसटी का मतलब वो लिख देते हैं इंटरस्टेट जीएसटी अगर आपने आईजीएसटी का मतलब इंटरस्टेट जीएसटी लिखा तो यहां पे सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी आई जी मतलब इंटरस्टेट नहीं आई जी मतलब इंटीग्रेटेड क्या इंटीग्रेटेड आपका वर्ड आना चाहिए इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड जीएसटी हाँ लगता है ये इंटरस्टेट पे पर नाम उसका इंटरस्टेट नहीं है उसका नाम है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आई होप आपको ये बात समझी होगी ओके okay, क्यों सर इंटीग्रेटेड वर्ड ही क्यों है क्यों नहीं इंटरस्टेट है आगे आगे देखो होता है ठीक है एक सवाल है कि क्यों सर इंटरेस्टेड ही क्यों नहीं रखा वाई वाई इंटीग्रेटेड वर्ड इज देयर ओके क्या उसकी पीछे पीछे फिलोसॉफी है हम आगे देखेंगे ओके okay, तो यहां तक है यहां पे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स और उसके बाद में जीएसटी सेस जी, जिसको हम जीएसटी कंपेंसेशन सेस भी कहते हैं उसके एक या एक ये भी एक्ट है ऐसे टोटल पांच एक्ट है अब मैं आपको ये बता दूं कुछ बातें जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बस कॉन्सेप्ट को एक ओवरऑल व्यू लेने के लिए डेप्थ में हम बाद में देखने वाले हैं ठीक है क्या हुआ इंडिया में जीएसटी एक जैसे लेट आया जीएसटी नो डाउट वो पंद्रह साल पहले आना चाहिए था बहुत लेट हो गए यानी इंडिया में आया तब ऑलरेडी बाकी सारे लगभग सिक्सटी कंट्रीज में जीएसटी इंप्लीमेंट हो चुका था और फिर हमने इंडिया में दो में लाया एक्चुअली इसकी न्यू रखी थी फाउंडेशन जो रखा गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह नाम कभी सुना है थैंक यू <laughs> तो वो बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे बहुत अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर थे बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे यानी नहीं, नहीं पता लेकिन बहुत अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर और इकोनॉमिस्ट थे और है और रहेंगे। तो जहाँ तक हम बात करें तो उन्होंने टू नाइनटीन में पहली बार ये स्टेटमेंट यूज किया था जबकि कुछ ही कंट्रीज़ ने जीएसटी इंप्लीमेंट किया था दो तीन कंट्री ने किया था और उन्होंने इंडिया में प्रपोजल रखा था कि भाई जीएसटी जो लाया जाए वो इंडिया में लाया जाए ओके और सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके एक ही टैक्स रखा जाए और वो कौन सा जीएसटी रखा जाए ठीक है लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी है ओके ब्यूरोक्रेसी में हर चीज़ें फट जा फंस जाती है ओके उन्होंने रखा फिर बीजेपी गवर्नमेंट आई वाजपेयी गवर्नमेंट आई फिर वापस क्या यूपीए गवर्नमेंट आई और नहीं पर आ, एट लास्ट मोदी जी ने लाया कुछ डिसीजन मोदी जी के बहुत अच्छे और कुछ डिसीजन के लिए मैं बहुत उनको मानता भी हूँ ओके okay, जो कॉन्फिडेंट वाले डिसीजन थे जिसमें एक था क्या जीएसटी मैं हर बात में नहीं मानता हूँ पर हाँ कुछ डिसीजन के लिए ज़रूर मानता हूँ तो मोदी जी ने यहाँ पे 2017 में ओके okay, एक स्टेप लिया और जीत पकड़ ली कि जीएसटी लाना है यार बहुत साल हो गया जबकि पूरा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन रेडी नहीं हुआ था तभी उन्होंने एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है कि भाई ओके okay, समुन्द्र में जम मारो तैरना आ जाएगा आ जाएगा तो उन्होंने कहा कि लाओ आप कुछ मुझे पता है यार कि एक जुलाई 2017 को जीएसटी आने वाला था और ड्राफ्ट रेडी हुआ 20 जून को यानी 20 जून को ड्राफ्ट रेडी हुआ और 10 दिन के अंदर अंदर जीएसटी लाया गया नो no डाउट पहले इंप्लीमेंटेशन में बहुत प्रॉब्लम है बहुत प्रॉब्लम यानी अगर आप दो से लेकर बीस तक देखोगे तो लोग बहुत परेशान थे कि भाई समझ में नहीं आ रहा था कि जीएसटी लॉ कैसे ऑपरेट किया जाए ओके okay, तो हर चीज जो पुराने लॉ में थी मुश्किल मुश्किलें क्या आई उस पर भी हम आगे बात करेंगे ठीक है तो जहां तक है, 2017 में जीएसटी लाया गया अब देखो जीएसटी के दो मॉडल प्रपोज थे बाय केलकर पार्लियामेंट कमेटी थी ओके okay, जिसका नाम था केलकर कमेटी उनके जो दो मॉडल एक था नेशनल मॉडल ओके okay, जीएसटी का एक मॉडल था क्या नेशनल मॉडल और एक था क्या ड्यूएल मॉडल ओके ड्यूएल मॉडल अब नेशनल मॉडल मतलब क्या ओके नेशनल मॉडल मतलब एक ही जीएसटी रखा जाए वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट और आज वन यूनिफॉर्म सिविल कोड वन दिस एंड वन दैट बहुत सारी चीजें वन वन होती जा रही है ओके okay, तो उनका ये कहना था कि नेशनल मॉडल पे जीएसटी लाया जाए और यूपीए गवर्नमेंट जब थी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे तभी तो इसके बारे में सोचा गया कि यार जीएसटी क्यों ना एक ही एक ही टैक्स ऐसे सी जी एस टी एस इतने सारे नाम नहीं एक ही नाम क्या जी बस ख़त्म ओके और जीएसटी के रेट जो है वो फाइव परसेंट ओके यहाँ पे ट्वेल्व परसेंट एटीन परसेंट एंड ट्वेंटी ये जनरल रेट जो आपको पता है कुछ गुड्स पांच परसेंट के होते हैं कुछ गुड्स बारह परसेंट के होते हैं ये मेरे साथ रफ में लिखते जाओ ओके okay, इससे क्या होगा कि आप मेरे साथ कंटिन्यूस इन्वॉल्व रहोगे देखो मैं आपको हमारी एक आदत बता देता हूँ आप हो या मैं भी हूँ अगर कंटिन्यूस आप सिर्फ सुन रहे हो सुन रहे हो सुन रहे हो तो धीरे धीरे होता क्या है ओके हाँ ओके खो जाते हैं सो जाते हैं तो यहाँ पे होता ये है कि भाई यहाँ आपको लगता है कि कान तो सुन रहा है मेरी क्या जरूरत है मैं थोड़ा रेस्ट कर लू फिर थोड़ी देर बाद कान कहता है मैं अकेला ही क्यों और फिर धीरे धीरे आप सो जाते हो तो आपको सोने के थोड़े सिंबल्स बता देता हो जो आप जो अगर आप ऐसा कर रहे हो मतलब तैयारी में हो आप अगर ऐसा कर रहे हो मतलब तैयारी में ओके हमें बता देना कि मैं तैयारी में हूं ओके और कोई तो यहाँ पे अब सुबह सुबह का क्लास है ओके okay, और सामने बैठा है इधर वो तो ठीक है कॉर्नर वाले मैं तो कहूंगा कि यार ओके okay, आपको जो है मेरे साथ चलना है और आपको जो है यहाँ पे सबसे पहले कह रहा हूँ कि सेल्फ डिसिप्लिन ज्यादा रखना है मैं ज्यादा ज्यादा इन बच्चों को देख सकता हूँ यस वेरी गुड वेरी गुड इधर भी और हाँ हाँ तो <laughs> सो <सवगे>? गए <laughs> अच्छा कोई सोया है ना तो मेरी टीम है यहाँ पर जो भी सोएगा ना उसको नहीं उसके आजू बाजू वालों को हम उठाएंगे क्यों तो कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यार ओके okay, यहाँ पे उनके आजू बाजू जो बैठे ना उसको क्लास के बाहर निकालेंगे Then, और जो ऑनलाइन कनेक्टेड है मैं कहूं अभी आपके सवाल क्वेश्चन पूछो ही मत मैं सारे आपके क्वेश्चन यहां पे रिजोल्व कर दूंगा अभी कोई भी क्वेश्चन मत पूछो वेस्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन मैं देखने वाला नहीं ठीक है अभी चुपचाप मुझे सुनते जाओ मैं जो कह रहा हूं और यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको मेरे साथ इन्वॉल्व रहना है जो भी मैं यहां कह रहा हूं उसको रफ में लिख के जितना आपका इन्वॉल्वमेंट उतना ज्यादा आपका फोकस फोकस सिर्फ कैंडल सामने रखने से नहीं आता है समझा कि नहीं समझा हाँ कि भाई कैंडल को देख रहा हूं मैं अब फोकस अपना पढ़ूंगा एक झटके में याद रख लूंगा ऐसा नहीं होता है Okay, जितना ज्यादा आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हो उतना आपका फोकस अंडरस्टैंडिंग और इंटरेस्ट बढ़ता है ये बाकी सारे मोटिवेशनल फालतू है क्या करना है यह सब फालतू है मोटिवेशनल ऐसा है कि जब तक हॉल में रहते हो तब तक अच्छा लगता है हॉल के बाहर आ गए लाइन पे ये सो नो तो यहां पे हमें अलग अलग चीजें ऐसी ढूंढनी है कि हमारा सब्जेक्ट में ऑटोमेटिक इन्वॉल्वमेंट है और उस पर मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा ठीक है तो चलिए तो अब अब नेशनल मॉडल मतलब क्या ओके okay, ये सोचा गया था कि जीएसटी भाई एक ही रेट से लगा देंगे पांच परसेंट ओके ट्वेल्व एटीन एंड ट्वेंटी अब आप पूछोगे सर ये अलग अलग रेट्स क्यों एक ही रेट क्यों नहीं रखा गया ओके कहीं यहाँ पे 18 रखा गया 28 रखा गया 12 रखा गया 5 रखा गया ऐसे अलग अलग रेट्स क्यों रखे गए एक ही रख लेते 12 सभी गुड्स एक ही गुड्स 12 नहीं भाई साहब ओके okay, और इंडियन इकोनॉमी में तो ये पॉसिबल ही नहीं है जो डेली नेसेसिटी के गुड्स है उसके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं होना चाहिए क्योंकि वो पुअर क्लास भी खरीदता है वो मिडिल क्लास भी खरीदता है ठीक है वो रिच क्लास भी खरीदता है आज गेहूं पुअर क्लास भी खरीद रहा है रिच क्लास भी खरीद रहा है पर वो पब्लिक इंटरेस्ट में आई रिपीट द वर्ड क्या पब्लिक इंटरेस्ट में उसके ऊपर ज्यादा रेट लगाना सही बात नहीं उन्होंने क्लासीफाई कर दिया हाँ जो लग्जरी गुड्स है पब्लिकली डोमिनेटेड गुड्स है उसके ऊपर हम ट्वेंटी लगाएंगे भाई ओके जैसा कार हुई ट्वेंटी लगाएंगे टोबैको हुआ 28% लगाएंगे अरे आया ना जो डोमिनेट करना है ओके टोबैको हुआ सिगरेट हुई 28% लगाएंगे पर सर सिगरेट पे 28% क्यों कौन कौन बोल रहा है ना लाए किया ओके कौन बोल रहा है 100% होना चाहिए अगर किसी को यह सवाल होगा कि सिगरेट पे 28 क्यों तो आके मिले फिर बता दो उसको तो जहां तक देखा जाए तो गवर्नमेंट ने कहां रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहिए कौन सा गुड्स कौन से रेट में रखना चाहिए इसकी बहुत अच्छी प्लानिंग इंडिया में की है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे तो नेशनल जीएसटी पे वापस आते हैं नेशनल जीएसटी पे यहाँ पे फाइव ट्वेल्व एटी नाइन ट्वेंटी एक ही रेट लगा दो एक आपके बिल में एक ही दिखना चाहिए क्या जीएसटी लेकिन क्या है इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है फेडरल स्ट्रक्चर मतलब नहीं गवन बाय टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कौन सी दो गवर्नमेंट सेंट्रल एंड स्टेट अरे कुछ याद है क्या सेंट्रल एंड स्टेट तो यहां पे ये था कि जीएसटी अगर एक ही रखा जाए तो रेवेन्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा सारी स्टेट ने मना कर दिया कि नहीं हम एक जीएसटी नहीं रखेंगे अब एक जीएसटी रखो और प्रपोजल ये था कि पूरा जीएसटी सेंट्रल कलेक्ट करेगी और सेंट्रल बाद में बांटेगी स्टेट को स्टेट वालों ने कहा नहीं हम टीटीएमएम -टी करेंगे टीटीएमएम मतलब तू तेरा मैं मेरा के तू तेरा मैं मेरा ओके यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा भाई कि भाई तुमने कलेक्ट कर लिया क्या भरोसा ओके okay, यहाँ पे सेंट्रल बीजेपी वालों ने कलेक्ट कर लिया और स्टेट में आप है पैसा ही नहीं मिल रहा अरे यहाँ ना स्टेट में अलग गवर्नमेंट है ओके okay, और अभी तो स्टेट की गवर्नमेंट कब ब्रेक हो जाती है बदल जाती है बीजेपी कुछ भी कर सकती है सॉरी सॉरी गड़बड़ों की हाँ तो जहां तक देखा जाए तो जहां हाँ तो ऐसे केस में क्योंकि ये लॉ जो बन रहा था ये लॉ सारे टैक्सेस को मर्ज करके सेंट्रल और स्टेट साथ में चलाने वाली थी तो उन्होंने कहा कि नहीं हम नेशनल सिंगल मॉडल पे जीएसटी नहीं लाएंगे हम जीएसटी को डिवाइड करेंगे और वो ड्यूअल मॉडल में डिवाइड करेंगे ड्यूअल मॉडल मतलब कौन से सी जी एस टी एंड एस जी एस टी ओके तू तेरा मैं मेरा तो ड्यूअल हमने इंडिया में जो जीएसटी पढ़ना है वो किस में पढ़ना है बेटा ड्यूअल क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया में तो अब क्या डिसाइड हुआ ओके okay, कि भाई जो भी जीएसटी का रेट रहेगा क्या जीएसटी का रेट समय रेट रहेगा बेटा फाइव परसेंट तो फाइव परसेंट में फिफ्टी परसेंट सेंट्रल का और फिफ्टी परसेंट स्टेट का तो सीजीएसटी टू पॉइंट फाइव परसेंट टी टी एमएम क्या होता है तू तेरा मैं मेरा बोला ना मैंने ओके okay. तो ऐसे केस में सी जीएसटी टू पॉइंट फाइव परसेंट एंड एस जीएसटी टू पॉइंट फाइव परसेंट ओके इस तरह से आपको सारे रेट फिफ्टी फिफ्टी में डिवाइड करने पड़ेगा ये कब जब आपका क्या इंटरास्ट रेट हो ये कब जब आपका इंटरास्ट रेट हो लेकिन अगर आपका इंटरस्टेट हो भाई ओके यहां पे इंटरस्टेट हो तो इंटरस्टेट के केस में अब यहां पे मैं आपको बता दू उसमें जो टैक्स लगेगा ऐसा स्प्लिट होके नहीं लगेगा अब देखो एक नए वर्ड का भाई ये यह यहां इंटीग्रेटेड वर्ड कैसे आया उसका लॉजिक बेहतर जब इंटरस्टेट होगा तो ऐसे दो ड्यूएल मॉडल में टैक्स नहीं लगेगा दोनों को इंटीग्रेट करके टैक्स लगाया जाएगा आई रिपीट द वर्ड दोनों को इंटीग्रेट करके टैक्स लगाया जाएगा मतलब मतलब आपका आईजीएसटी होगा तो आईजीएसटी आधा आधा स्प्लिट नहीं होगा आईजीएसटी किसमें जाएगा तो फुल रेट फुल रेट मतलब क्या फाइव परसेंट ट्वेल्व परसेंट एटीन परसेंट एंड ट्वेंटी एट परसेंट सडनली कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा फिर सर आईजीएसटी का रेवेन्यू कौन लेता है सेंट्रल लेती है स्टेट लेती है तो मैं आपको अभी आपके नॉलेज के लिए बता दूं आगे हम डिस्कस करेंगे वो लेती है सेंट्रल पर फिर उसको बांटती है स्टेट में यानी कुछ फिफ्टी पर कलेक्शन पूरा कौन कर लेती है सेंट्रल और फिर बाद में स्टेट को बांटती है उसका फिफ्टी परसेंट ये समझ में आया क्या पर ये मैकेनिज्म कैसे होता है क्या होता है आगे हम एग्जांपल में देखेंगे तो आई होप आपको समझा होगा कि हम सीजीएसटी और एसजीएसटी ओके okay, ये ड्यूएल मॉडल में लगाते हैं और एक होता है क्या इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अब एक आए जीएसटी कंपेन्सेशन ओके जीएसटी कंपेंसेशन सेस एक्ट 2017 ये क्या है सर जीएसटी कंपेंसेशन सेस एक्ट 2017 तो आपको एक बात बता दूं जीएसटी कंपेंसेशन सेस जो है क्या था जब दो में जीएसटी ला रहा था तो कुछ स्टेट को थोड़ा डर था कि उनका रेवेन्यू कम हो जाएगा उनका रेवेन्यू इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि जीएसटी में क्रेडिट कॉन्सेप्ट को आपको क्रेडिट पता होता है क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह कभी सुना है आपने सेट ऑफ सेट ऑफ़ तो जीएसटी में क्या हो रहा था सेट ऑफ कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में और सबके सेट ऑफ मिलने वाले थे तो जिसके वजह से गवर्नमेंट को डर था कि यहाँ पे उनका रेवेन्यू कम हो सकता है जैसे स्पेशली जो बैकवर्ड रीजन है हिली एरिया है जैसे मणिपुर हुआ मेघालय हुआ इन स्टेट को ऐसा लग रहा था कि नहीं यार ओके रेवेन्यू कम हो सकता है जीएसटी आने के बाद तो फिर यहाँ पे एक एक्ट बनाया गया जीएसटी सेस एक्ट और ये एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या था ये एक्ट का ऑब्जेक्ट ये था दोस्तों कि अगर कोई ये जो टैक्स कलेक्शन होगा कोई स्टेट को अगर नुकसान हुआ आई रिपीट कोई स्टेट को अगर नुकसान हुआ तो इस एक्ट में जो भी कलेक्शन होगा उस कलेक्शन से उन स्टेट का नुकसान भरपाई की जाएगी मतलब उनको कंपेंसेट किया जाएगा आई होप यू अंडरस्टूड तो सर ये जीएसटी सेस किसके ऊपर लगता है ये कुछ लग्जरी आइटम्स में ये सभी गुड्स पे नहीं लगता है जैसे सी जी एस टी एस जी एस टी सभी गुड्स के सप्लाई सर्विसेस के सप्लाई पे लगता है आई जी एस टी सभी जब भी इंटरस्टेट होगा उसके ऊपर लगेगा पर जीएसटी कंपेंसेशन सेस कुछ ही ऐसे गुड्स है जो लग्जरी गुड्स है और या यहाँ पे जो गुड्स ऐसे है जहां पब्लिकली डोमिनेट करना है उस पर यह लगाया गया मतलब ये जो जीएसटी कंपेंसेशन है इन एडिशन टू बेसिक जीएसटी है अब इन एडिशन टू बेसिक जीएसटी मतलब क्या जैसे अभी कोई एसयूवी कार लग्जरी कार आपने 80 लाख की खरीदी भाई साहब अगर आप देखते हो ध्यान से 80-90 लाख की कार में लगभग 25 लाख तो जीएसटी होता है ये समझ में आया क्या? तो ये 25 फाइव या 20 लाख जीएसटी कैसे होता है तो वो कार पे ट्वेंटी का बेसिक जीएसटी तो लग ही रहा है अरे ना बेसिक जीएसटी लग रहा है प्लस जीएसटी कंपेन्शन सेज भी लग रहा है जीएसटी सेस भी लग रहा है ये सारे गुड्स पे नहीं और कुछ गुड्स पे लगाया गया और इससे जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो रेवेन्यू से स्टेट को कंपेंसेट किया जाएगा जिसको जीएसटी आने के बाद लॉस किया गया तो मैं ये सब कुछ क्यों पढ़ा रहा हूं आपको मैं बस इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको ये पता होना चाहिए जीएसटी स्टार्ट होने के पहले कि जीएसटी के टोटल कितने एक्ट है तो चलो मेरे साथ एक बार बताओ कौन कौन से पांच एक्ट हैं सी जी एस टी एस जी, 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 जी आई जी एस टी एंड जी एस टी कंपेंस अरे हा चलो अब हमें इंटर के सिलेबस में आप सी एम ए कर रहे हो गए सी एस कर रहे हो या सी ए कर रहे होके okay, तो इंटर के सिलेबस में हमें कौन से एक्ट है तो हमें सी जी एस टी है ओके okay, हमें ओनली सी जी एस टी पढ़ना है और सेकेंड हमें जो पढ़ना है वो आई जी एस टी के कुछ सेक्शन पढ़ने बाकी सिलेबस किसमें बेटा फाइनल तो हमें सी जी एस टी एक्ट सर हमें एस जी एस टी नहीं पढ़ना है Okay, नहीं क्यों क्योंकि आपको अभी बता देना चाहता हूं स्टार्ट में ही सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लॉ वर्ड टू वर्ड से अगर आपने सीजीएसटी पढ़ लिया क्योंकि वो सेम ट्रांजेक्शन पे लगता है आज मैंने अगर आपको ओके okay, एडमिशन दिया तो वो एडमिशन पे सीजीएसटी एस लगाया एज वेल एज एस एस तो दोनों एग्जैक्टली exactly सेम, क्योंकि दोनो सेम है क्योंकि दोनों सेम ट्रांजेक्शन पे लगते हैं Is it clear? तो एस जी एस टी एक्ट तो आपको कभी पढ़ना भी नहीं है क्योंकि सी जीएसटी पढ़ लिया मतलब एस जीएसटी पढ़ लिया इज इट क्लियर सेम फॉर यूटीजीएसटी ये भी आपको पढ़ना नहीं है ओके okay, और जीएसटी कंपनसेशन आपके सिलेबस में नहीं है हमें जो पढ़ना है वो सीजीएसटी एक्ट के कुछ सेक्शन पढ़ने हैं और आईजीएसटी एक्ट के कुछ हमें सेक्शन पढ़ने बाकी सारे सेक्शन फाइनल लेवल पे है। ठीक है चलिए दोस्तों फिर आते हैं यहां पे आपको नोट्स कैसे मिलेगी सभी ध्यान से देख लो सर यू आर लुकिंग हैंडसम टुडे भाई साहब चुपचाप। ठीक <laughs> है। तो थैंक यू थैंक यू सो मच हितेश। नाउ अब आते हैं नोट्स पे सर हमें नोट्स कैसे मिलेगी मैंने नोट्स का जो अरेंजमेंट किया है आपको किस तरह से मिलेगी जिस तरह से आपको पढ़ना है उसके हिसाब से मैंने नोट्स का पूरा मॉडल्स बनाया है जैसे सबसे पहले तो आपको रेगुलर नोट्स जो ये है और इस बार हमने न्यू स्कीम के हिसाब से कंप्लीट नोट्स बनाई है और बहुत अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज करके दी है जिसमें आप बहुत सारा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन इसमें देखोगे हाँ बेटा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन की शुरुआत टू में सी फाइनल लेवल पे जहाँ तक मुझे याद है सी कोर्स में मैंने स्टार्ट किया था कलर नोट्स और पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन आज आप सब देखते हो लेकिन ये स्टार्ट तो 2014 में आप आज एक बार ऐसे बड़े चार्ट्स देखते हो ये बड़े चार्ट्स बनाना 2004 में मैंने स्टार्ट किया था और आज आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स के इंक्लूडिंग क्या आई चार्ट्स और चार्ट बुक यहाँ पे देखोगे तो ये चार्ट सिस्टम ही जहाँ तक मैंने पूरी स्टार्ट से लेके इस पर बहुत वर्क किया है और आज नॉट ओनली इन आई आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इसको देखते हो ठीक है सो दोस्तों यहाँ पे आपको जो मॉडल मिलेंगे ये दो रेगुलर मॉडल मिलेंगे ओके okay, ये दो रेगुलर मॉडल में मैंने वैसे एक भी बना सकता था पर मैंने दो इसलिए बनाया कि क्या होता है कि आप जब पढ़ने बैठते हो ना एक पेज पढ़ते हो और फिर देखते हो कितने बाकी है भैया गया फिर वापस एक पेज पढ़ते हो फिर देखते हो कितने बाकी है तो मैंने ही आपकी साइकोलॉजी समझी क्योंकि ये मैं भी करता था <laughs> तो मैंने आपकी साइकोलॉजी समझी तो मैंने कहा कि एक काम करते बड़ा मॉडल नहीं रखते हैं नहीं तो क्या है उसका पेज देखने में इतना टाइम जाएगा पढ़ाई तो कम पेजेस से ज्यादा देख रहे हैं ठीक है तो ऐसे केस में मैंने स्प्लिट कर दिया मॉडल सो दैट आप जो है आप जैसे ही देखोगे हाँ इतना ही बस इतना ही बाकी है इतना ही बाकी है बस इतना ही बाकी है सो so, पे जहा तक देखा जाए तो दो मॉडल पहले तीन देता था अब इस न्यू स्कीम में मैं दो दे रहा हूं तो दो मॉडल आपको मिलेंगे जीएसटी में जिसमें सारी अमेंडमेंट कवर कर ली जाएगी कंप्लीटली अपडेटेड मॉड्यूल आपको मिलेगा और मैं आपको ये बता दूं इस बार मैंने बहुत मेहनत की है फाइनल और इंटर लेवल पे इसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके यहाँ पे आपको दे रहा हूं सो दैट सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको जीएसटी लॉ समझने में आसानी है ठीक है दूसरी बात आपको मजा आएगा मॉडल जब हम देखेंगे पॉइंट वाइज मैनर में तो आपको मजा आएगा नेक्स्ट बेटा यहां पर हम इसमें कितने चैप्टर्स है क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे ठीक है उसके बाद में क्वेश्चन अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो अब देखो क्या हो जाता है मैंने आपको पढ़ा दिया इस मॉडल में इट मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिए जो हम यहाँ लिख कर देखेंगे अगर आपके पास मॉड्यूल है या पहुंच गया होगा या आपने प्रिंट आउट निकाला होगा तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें मैंने P1 P2 क्वेश्चंस लिए हैं जो यहाँ पे हमें राइटिंग प्रैक्टिस में लेना है ठीक है तो इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस तो लिए ही है इन एडिशन टू दैट मैं आपको कह दूँ कि मैंने स्कैनर भी बनाया हुआ है और ये जो स्कैनर है ओके ये अभी कवर पेज पुराना है अभी नया प्रोसेस में है अपडेट हो रहा है तो ये स्कैनर बनाया है जिसको हम कहेंगे जी एस टी क्वेश्चन इस स्कैनर में और ये क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है जो मैंने बुक में क्वेश्चन लिए है वो क्वेश्चन से हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे ये समझ में आया क्या वो क्वेश्चन से हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कॉन्सेप्ट कहता क्या है और उसके बाद में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं कैसे आपने प्रेजेंट करने चाहिए और ये जो आपको क्वेश्चन बुक मिलने वाली है इसमें मैंने सारे एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आरटीपी क्वेश्चंस मॉक टेस्ट पेपर क्वेश्चंस एज वेल एज मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं और आपके न्यू मॉड्यूल के हिसाब से आई रिपीट word क्या न्यू मॉड्यूल के हिसाब से मैं सारे क्वेश्चन इसमें कवर करने वाला हूँ और ये अपडेशन पे आने वाले दस दिन में आपको ये भी मिल जाएगा ठीक है जो यहाँ ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं बेटा हो सकता है कि आपको मॉड्यूल वन मिल गया होगा या मिलने में होगा आने वाले एक दो दिन में आपको मिल जाएगा डोंट वरी ओके तब तक मैंने पहले दो चैप्टर जो है हमारे लॉग में दिए है तो आप लॉगिन में यहाँ पे जो है वो चैप्टर डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेना इतना कोऑपरेशन आपसे एक्सपेक्ट करता हो रीज़न ये हैं क्योंकि मैं मॉडल अर्ली नहीं दे सकता था मुझे सारी अमेंडमेंट्स 31 अक्टूबर तक की उसमें कवर करना है और इस बार मैं पूरा मॉडल रीऑर्गेनाइज करके दे रहा हूँ एज पर आवर न्यूज़ के ओके तो मैं आपको मेरा शेड्यूल बता दूं कि मैं हमारे फाइनल और इंटर का लगभग सात घंटे क्लास अब आज से तो सात घंटे हो गया और उसके बाद भी लगभग छः से सात घंटे मैं नोट्स पे बैठ रहा हूं यानी मेरा पूरा दिन पैक है ओके तो आपको ये कोऑपरेट करना पड़ेगा नोट्स आने में जब तक आपको टाइम लगे तब तक आप पी रेफर करो पर आपको आने वाले एक दो दिन में डेफिनेटली नोट्स आ जाएगी आपके नोट्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या डाउट हो गए तो आखिरी के दस मिनट मैं रुकूंगा मेरी टीम कनेक्टेड रहेगी आप अपना ऑर्डर आई डाल दीजिएगा ओके okay, पर मैं कहूँगा आज डाल के फायदा नहीं है अगर नोट्स नहीं मिली होगी एक दो दिन वेट करो और उसके बाद में आप अपना ऑर्डर आई डाल दो तो आपको नोट्स मिल जाएंगे स्पेशली ऑनलाइन क्वेश्चन आपको कब मिलेगा ये पूरा सेट बता दू क्वेश्चन आपको आने वाले 10 से 15 दिन में मिलेगा पूरा अपडेट होके इंस्टीट्यूट का जो नया मटेरियल है उस मटेरियल के सारे क्वेश्चंस उसमें अपडेट हो रहे हैं जो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा तो क्वेश्चन आपको एक मॉडल रहेगा अप्रोक्सीमेटली थ्री हंड्रेड मैंने अपने क्वेश्चन में लिए हैं ओके okay, और मैं आपको बता दू आज तक ऐसा नहीं हुआ टू से लेके अभी तक कि कोई क्वेश्चन question मेरे क्वेश्चन के बाहर रहा है इसलिए मैं आपको कहूंगा कि एक बार हमारा रेगुलर मॉडल क्लास में हो जाए और क्लास के साथ आप अगर रेगुलर मॉडल कंप्लीट कर लो तो उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन और चार्ट पढ़ना दैट्स इनफ उसके बियॉन्ड और कुछ नहीं आएगा मैं हंड्रेड परसेंट गारंटी से कह रहा हूं कॉन्सेप्ट सारे उसमें कवर रहेगे इज इट क्लियर तो एक बार रेगुलर मॉडल हम कवर कर लेते हैं बाद में तो चार्ट और क्वेश्चनर देखेंगे जो आपको रिवाइज करना है सर ये क्वेश्चन के क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करेंगे क्या बिल्कुल डिस्कस करेंगे डिस्कस दो तरह से होगा ये क्वेश्चन जैसे मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन तो आपसे लिखवा के ले लूंगा जिसमें आपको प्रेजेंटेशन कैसे करना ये समझ जाएगा लेकिन ये क्वेश्चन के रोज मैं तीन क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा जो आपको लिख कर लाना है देख के लिख के लाना है ठीक है लाना है और फिर मैं आपने लिखने के बाद मैं वो क्वेश्चन रेफर क्लास में करूंगा कि आप मिस्टेक कहां करते हो अरे समझ में आया ना और आपका प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए और हर आपका प्रेजेंटेशन बहुत सी बार आप क्या करते हो बहुत सी बार आपने लॉ में किया होगा या अदर कोई सब्जेक्ट में किया होगा जो थेटिकल है डीटी में भी किया होगा क्वेश्चन देख लिया हाँ ये आता है हाँ ये आता है यहाँ आता है लेकिन बहुत सी बार उस चीजों को शॉर्ट भी कैसे किया जाता है क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास टाइम नहीं है पर कंटेंट पूरा कवर करना है अब कंटेंट पूरा कवर करना है टाइम नहीं है और जब रेडीमेड आंसर पढ़ते हो तो वो लंबा दिखता है बड़ा दिखता है अरे आया ना लेकिन वो केस में अब उस आंसर को शॉर्ट कैसे किया जाए ये भी स्पेशली पढ़ा होगा पर यह मैं तभी पढ़ाऊंगा जब आप डेली बेसिस पे पूरा क्वेश्चन लेकर लाओगे लेख के लाओगे ये होमवर्क कंपल्सरी होगा नहीं तो मैं क्लास में बैठने नहीं दूंगा ठीक है तो जो जो क्वेश्चन मैं कहूं वो लिख के लाना है तो ही आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा चलिए तो ये क्लास के साथ ही क्वेश्चनर की हम प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद में एम बुक एमसीक्यू बुक आपको फिजिकल कॉपी नहीं मिलेगी आपके लॉग में आपका वी स्मार्ट अकेडेमी डॉट कॉम पर आपका लॉग जो क्रिएट होगा उसमें आपको जो है एमसीक्यू बुक पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी हाँ पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे टेस्ट में आई रिपीट क्या टेस्ट में एमसीक्यू बुक की आपसे प्रैक्टिस करवा लू ओके okay, थोड़ा बहुत उसके ऊपर डिस्कशन भी कर ले सो दैट आप अवेयर हो जाओ कि एमसीक्यू कैसे आते हैं डन ओके नाउ एमसीक्यू बुक की आपको पीडीएफ कॉपी ही रहेगी आपके लॉगिन में दी रहेगी नेक्स्ट अब क्या होता है जैसे मेरा यह मानना है कि आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया रेगुलर बुक से आपने कॉन्सेप्ट को पूरा समझ लिया अब उसके बाद एग्जाम में कैसे लिखना चाहिए क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके लिए कौन सी बुक है हमारी क्वेश्चन इज इट क्लियर क्वेश्चन है इसकी प्रैक्टिस करना है लेकिन एक डिमांड होती है और एक डिमांड एग्जाम के दो महीने पहले स्पेशली एकदम सडनली यहाँ पे बम हो जाती है कि सर कुछ शॉर्ट में दो ना क्योंकि हमने क्लास कर लिए जनवरी एंड तक फिर दस पंद्रह दिन हमारे वेस्ट हो गए तो वेस्ट हो गए मतलब रिलैक्स हो गए ओके और उसके बाद में आता है कि अब कुछ शॉर्ट में बताओ फटाफट रिवाइज हो जाए इतना बड़ा सिलेबस जो है हमारे से कवर करना मुश्किल हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में बेटा यहाँ पे आपको मेरे पास अभी चार्ट बुक नहीं है लेकिन एक चार्ट बुक होती है जिसमें मैंने हमारा मोस्ट ऑफ द कंटेंट यहाँ पूरा जीएसटी ट्वेंटी फोर पेजेस में खत्म कर दिया है समझ में आया क्या अगेन ये चार्ट बुक की शुरुआत मैंने यहाँ की थी ओके सी ए कोर्स में और ये चार्ट बुक यहां पे मैं बुलाता हूं और वो चार्ट बुक ओके खालून चार्ट बुक क्यों इंटर था चार्ट बुक अब ये जो हम बात करें श्च, अगर श्च, प्लीज मेरे पास अगर कोई फॉर्मेट होगा तो मैं ले, ले लेता हूं जैसे एक मिनट चार्ट बुक का ये कैसी रहेगी जस्ट चलो एक सीए फाइनल का लेके जैसा हम प्लीज 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 हाँ जैसे जो चार्ट हम क्लास में ड्रॉ करेंगे या मैं आपसे ड्रॉ करवाऊंगा वो चार्ट्स लगभग वैसे ही मैंने चार्ट बुक में लिए जैसे पहला एक चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चैप्टर टू से स्टार्ट होगा वो चैप्टर अगर रेगुलर बुक में देखा जाए तो अराउंड फोर्टी टू फिफ्टी पेजेस है ठीक है पर इस चार्ट को हम यहां पे खत्म करने वाले हैं कितने तीन पेजेस में और जब आप ये चार्ट पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैंने जो है सारा कंटेंट इसमें कवर कर लिया है कवर कर लिया तो फिर कोई नाला है कह रहा होगा तो बेटर वे सर फिर चार्ट बुक ही पढ़ाओ हाँ ये रेगुलर बुक क्यों पढ़ा रहे हो हमको क्यों परेशान कर रहे हो कोई है ऐसा नाला है नहीं ना ठीक है ये चार्ट को तभी समझ में आएगा बेटा जब तुमने रेगुलर बुक कंप्लीट किया ठीक है तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हो जाएगा कि अगर आपने मेरे साथ क्लास में चार्ट बनाए ओके या फिर आपको जो मैंने होमवर्क दिए और वही चार्ट आप जब रिवाइज करने यहां देखोगे तो आपका इतना फास्ट रिवाइज हो जाएगा ना मैं आपको सच में कहूं कि आप ये चार सेकंड रीडिंग जब आप फेब्रुवरी में ओके स्टार्ट करोगे तो ये चार्ट और क्वेश्चन दैट्स रेगुलर बुक को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं पर उसके लिए क्लास के साथ साथ आपको मेरी रेगुलर बुक कंप्लीट करना पड़ेगा इज इट क्लियर ओके तो 24 फोर पेजेस में एक दो पेजेस बढ़ सकते हैं क्योंकि कोई चैप्टर कुछ चैप्टर ऐड हुए हैं अभी 50 मार्क्स के लिए लेकिन ये 24 25 पेजेस में मैं पूरा आपका जीएसटी खत्म कर दूंगा इज इट क्लियर तो चलिए तो ये था रिगार्डिंग टू तो हम बात कर रहे हैं चार्ट बुक अब देखो मैंने क्या किया एक फिर एक कुछ चार्ट ये भी कॉन्सेप्ट है बिग चार्ट्स कॉन्सेप्ट ये बिग चार्ट कॉन्सेप्ट क्या है? एक रॉकेट व्यू देता है ओके अगर आप देखोगे तो ये कंप्लीट क्या रॉकेट व्यू देता है अब सर ये है क्या ओके यहां पे ये तो हम पढ़ नहीं पाएंगे ये कैसे पढ़ पाएंगे ये कुछ नहीं वॉल पे लगाओ वॉल पे लगाओ और सिर्फ स्रे, डेली सिर्फ फ्लो देखते जाओ कि मैं फ्लो क्यों क्योंकि हम चार्ट क्लास में ड्रॉ करने वाले हैं और वही आपको ये चार्ट में फ्लो दिख रहा है ये चार्ट की खास बात क्या है आपको बताओ क्या ये चार्ट की खास बात ये है जैसे ये चार्ट बुक है आपको मिल जाएगी जिसमें अभी तो ये चार्ट बुक इसमें जो दिया है इंटर का और इसमें पेज है पेजेस है ट्वेंटी एट है और दो इसमें बढ़ जाएंगे मतलब थर्टी के आसपास आपको पेजेस यहां पे मिल जाएंगे अब देखो ये बिग चार्ट का आपको सबसे बड़ा फायदा क्या है ये जो बिग चार्ट है ने ने ना बेटा यहां पे हर चैप्टर जैसे एक एक ये चार्ट में मैंने चैप्टर्स किए और चैप्टर मिक्स से कैसे कनेक्टेड है और पूरा जीएसटी लॉ जो है ओके okay, पूरा एक साथ कैसे चलता है ये सप्लाई कॉन्सेप्ट है तो सप्लाई का वैल्यूएशन कैसे होगा ओके okay, सप्लाई का वैल्यूएशन कैसे होगा कलेक्शन कैसे होगा कौन टैक्स देगा आईटीसी कैसे मिलेंगे इतना जबरदस्त फ्लो बना के रखा है कि अगर आप ये चार्ट का फ्लो एक बार देख लो तो आपका हर चैप्टर की कनेक्टिविटी आपको समझ जाती है बहुत सी बार क्या होता है चैप्टर हो जाते हैं पर चैप्टर कैसे कनेक्टेड है वो समझ में नहीं आते तो यहां मैंने हर चैप्टर की कनेक्टिविटी दी है तो ये चार्ट भी आपको मिलेंगे जो आपको एग्जाम के एक महीने पहले आधर चार्ट बुक और ये चार्ट्स बहुत काम आ सकते हैं और ये आप रूम में लगा के रख देना बस आपने वो फ्लो भी देख लिया कि हाँ ये सप्लाई ये वैल्यू वैल्यू से कलेक्शन फिर कंपोजिशन लेवी अगर आपने सिर्फ फ्लो भी देख लिया है तो दैट्स इनफ ओके मतलब आप कहीं तो भी कॉन्सेप्ट से क्या कनेक्टेड हो तो ये था रिगार्डिंग टू जो है बेटा हमारा चार्ट बुक तो इस तरह से आपको पूरा मटेरियल मिलने वाला है तो आपके बुक सेट में क्या क्या आएगा सभी समझ लो एक बार फिर से ओके okay, जो ऑनलाइन स्टूडेंट कनेक्टेड है वो भी एक बार अच्छे से समझ ले कि आपके बुक सेट में क्या क्या आएगा आने वाला है तो आपके बुक सेट में आने वाला है क्या रेगुलर मॉड्यूल जिसके कितने मॉड्यूल्स हो गए दो मॉड्यूल्स हो गए उसके बाद में क्या मॉडल रहेगा ओके और क्वेश्चन है यहाँ एक मॉड्यूल मिलेगा उसके बाद में वॉल चार्ट वॉल चार्ट में दो चार्ट्स आपको आएंगे और एक आएगा क्या चार्ट बुक उसका एक मॉड्यूल आपको इतना मिलेगा और आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है डन तो चलिए आई होप आपको नोट्स से रिलेटेड कोई डाउट्स और क्वेश्चन होगा तो इसमें सॉल्व हो गया आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है आज मैं कुछ ज़्यादा आपको पढ़ाने वाला नहीं आपके जो दुनिया भर के डाउट्स है ओके अराउंड यहाँ पे ओके 5000 थाउजेंड टू सिक्स थाउजेंड स्टूडेंट कनेक्टेड है फेस टू फेस और लाइव स्ट्रीमिंग में ओके okay, जो ओढ़ी पीढ़ी में देखने वाले बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके सारे डाउट्स आज मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ ओके नो अमेंडमेंट्स सर मे 24 के लिए अमेंडमेंट्स कब तक की अप्लीकेबल होती है अमेंडमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें यहां पे ध्यान दो ओके okay, उधर इधर ध्यान दो बेटा अमेंडमेंट्स के बारे में अगर बात करें तो अमेंडमेंट्स आपके दो टाइप की होती है एक फाइनेंस एक्ट की अमेंडमेंट्स फाइनेंस एक्ट कभी सुना है आपने इनकम टैक्स में सुना होगा ना एक फाइनेंस एक्ट की अमेंडमेंट और दूसरा क्या नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स की सर ये नोटिफिकेशन क्या होता है सर्कुलर क्या होता है देखेंगे आपने इनकम में होगा, में लॉ पर जीएसटी में भी एक बार देखेंगे ठीक है तो ये फाइनेंस एक्ट 2023 आपको अपलीकेबल है जिसकी सारी अमेंडमेंट्स मैं इसमें कवर कर रहा हूँ साथ साथ में आपके नोटिफिकेशन और सर्कुलर टू कब तक बेटा थर्टी अक्टूबर ट्वेंटी तक की सारे नोटिफिकेशन और सर्कुलर इसमें कवर रहेगा ठीक है तो ये जस्ट थर्टी फर्स्ट अक्टूबर तक के मुझे सारे अमेंडमेंट्स इसमें आपके नोट्स में कवर करके देना है तो अमें पूरी कंप्लीटली अपडेटेड अमेंडमेंट बुक में लेगी सर अगर मेरा अटेम नवंबर ट्वेंटी फोर होगा तो तो मैं ये कह दूं कि नवंबर ट्वेंटी फोर होगा तो दो तीन लेक्चर्स अमेंडमेंट के आपको बाद में करने पड़ेंगे क्योंकि आपको अमेंडमेंट्स रहती है थर्टीथ अप्रैल तक की थर्टीथ अप्रैल ट्वेंटी तक की तो आपको अमेंडमेंट के लेक्चर्स एग्जाम के दो महीने पहले मेरे YouTube चैनल वी स्मार्ट अकेडमी पे आपको मिल जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा दो तीन लेक्चर्स करने पड़ेंगे बाकी सिलेबस सेम रहेगा ठीक है फिर आते हैं जो मेन क्वेश्चन है आपका सर डाउट्स कैसे एंटरटेन किए जाते हैं जो यहां पे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं बेटा मेरा आपको जो एप आप दिया है उसमें ही क्वेश्चन आंसर आप पूछ सकते हो मेरे अंडर में एट आर ए आरए मतलब रिसर्च असिस्टेंट जो कंप्लीटली ट्रेन है सी है पिछले पाँच साल से मैंने उनको ट्रेन किया हुआ है और वो एट आर ए आपके डाउट्स मतलब फाइनल लेवल के स्टूडेंट हो इंटर लेवल के स्टूडेंट हो वो एंटरटेन करते हैं और आपको जवाब देते हैं ना अगर आप उनसे बहुत अच्छी हिरार की हमने ऐप में मेंटेन करके रखी है कि अगर आप उससे सैटिस्फाइड नहीं हो तो वो सीनियर आर के पास जाता है अगर सीनियर आर के भी आप आपटिस्फाइड नहीं हो तो आप लिख सकते हो रेफर टू सर और वो क्वेरी मेरे पास आती है उसी ऐप में मेरे पास आती है तो जहां तक देखा जाए मोस्ट ऑफ द क्वेरी हमारी क्लास में हो जाएगी पिछले 20 साल से बताए आप पूछ क्या सकते हो लेकिन मैं क्वेरी सब सॉल्व कर दूंगा क्लास में पर क्या होता है आपका क्लास में ध्यान नहीं होता है ओके फिर क्या जब खुद पढ़ने बैठते हो तब जाता है ध्यान तब आते हैं डाउट्स तो वो डाउट्स के लिए बेटा जहां तक देखा जाए आपको ऐप का ही यूज करना पड़ेगा अगर आप इंस्टा व्हाट्सएप या अदर सोशल मीडिया पर डाउट्स पूछ रहे हो तो उस एंटरटेन्ड हो जाते हैं पर उसको टाइम लगता है ऐप में पूरा आठ लोगों का टीम प्लस मैं कनेक्टेड होता हूं तो इमीजिएट बेसिस पे आपको आंसर आ जाता है विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स आपको आंसर मिल जाता है इज इट क्लियर ओके तो मैं ये कहूँगा कि जब भी आप कोई डाउट्स पूछो सोशल मीडिया अवॉइड करना हमारे ऐप से ही पूछना दूसरी बात यहाँ पे डाउट में जितना हो सके वॉइस मैसेज डालना क्योंकि आप क्या टाइप करते हो शायद आपको भी नहीं समझ में आता होगा बहुत सी बार ओके okay, इतने शॉर्ट फॉर्म आप यूज़ करते हो तो वॉइस मैसेज से ही आप अपने डाउट्स पूछो इज इट क्लियर चलिए तो ये डाउट्स से रिलेटेड हम देख रहे हैं फिर टेलीग्राम ग्रुप जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लॉगिन में मैंने स्टडी ग्रुप दिया हुआ है आपके वी स्मार्ट अकेडमी डॉट कॉम पर लॉग में स्टडी ग्रुप दिया है उसमें टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है जो आपको ज्वाइन करना है अब थोड़ा मैं प्रोसेस ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए बता दूँ अगर आपने वी स्मार्ट एकेडेमी डॉट कॉम पर लॉगिन नहीं क्रिएट किया है तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा सर उसकी मेथड क्या है तो आपने हो सकता है कि हमारे असोसिएटेड चैनल पार्टनर्स या कोई फ्रेंचाइजी से कोर्स बाय किया होगा तो आपको वी स्मार्ट डॉट कॉम पर आना पड़ेगा और उसमें लॉगिन पर जाना पड़ेगा लॉग इन में क्रिएट लॉगिन में आपको अपना ओरिजिनल ई मेल आई डी एड करना पड़ेगा जो ई मेल आई डी से आपने परचेस किया है और वहाँ रीसेट पासवर्ड पासवर्ड करना पड़ेगा जैसे ही आप रीसेट पासवर्ड करोगे जो पासवर्ड ऐड करके पासवर्ड ऐड करके वैसे ही आपका लॉगिन हमारे वी स्मार्ट एकेडमी के इसमें बन जाएगा और आपके लॉगिन में स्टडी ग्रुप लिंक ओके आपको मिल जाएगी जिसमें टेलीग्राम चैनल लिंक दी गई है जो यहाँ फेस टू फेस क्लासेस कर रहे हैं ओके तो वो स्टूडेंट के लिए मैं यहाँ प्रिंट आउट लगा दूंगा ओके क्यूआर कोड लगा दूंगा वो क्यूआर कोड स्कैन कर ले ओके और यहाँ पे क्या ये ग्रुप को ज्वाइन कर ले ओके okay, कोशिश करना कल के कल ज्वाइन कर ले क्योंकि जितने भी मेरे कम्युनिकेशन हो या कभी छुट्टी देना पड़े कभी क्या देना पड़े ये सारा डिटेल्स आएगा टेलीग्राम ग्रुप में ही आएगा आपका और मेरा कम्युनिकेशन का, का एक ही जरिया है और वो है टेलीग्राम ठीक है नाउ अब ये आपको मस्ट ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है चलो ये था रिगार्डिंग टू यहां पे आपके जितने भी डाउट्स और क्वेश्चंस आ सकते हैं उससे रिलेटेड एक जनरल इंट्रोडक्शन मुझे पता है कि आज का क्लास थोड़ा लेट हो गया और आपका थोड़ा ब्रेक का भी टाइम हो गया है तो हमारा क्लास रोज एट टू एलेवन रहेगा सुनो रोज क्या एट टू एलेवन रहेगा जिसमें ब्रेक रहेगा टेन टू फिफ्टीन मिनट्स यस और नो टेन टू फिफ्टीन मिनट्स ब्रेक रहेगा और यहाँ ब्रेक अराउंड नाइन फोर्टी के आसपास होगा मैं फिफ्टीन मिनट में क्लास स्टार्ट कर दूंगा डोर को क्लोज करके इसलिए जो बाहर रह गए वो रह गए यस और नो फिफ्टीन मिनट से ज्यादा ब्रेक एक्सटेंड नहीं होगा तो अभी आप एक काम करो ब्रेक लो दस मिनट का एक ओके कॉन्डोनेशन ऑफ डिले फाइव मिनट्स ठीक है तो ऐसे टोटल कितना फिफ्टीन मिनट्स का फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा डिस्कशन ऑन क्या जीएसटी ओके okay, तो चलिए हाँ, नोटबुक के बारे में मैं बाद में बताता हूं ब्रेक के बाद बताता हूं कि आपको कितनी नोटबुक मेंटेन करनी है ओके कम बैक विद इन फिफ्टीन मिनट्स हेलो जगजीत बेटा आपका मैसेज देख लिया मैंने एक ही लेक्चर बचा हुआ है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स बाकी सब लेक्चर हो गए हैं एक ही लेक्चर बचा हुआ है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड हो जाएगा बेटा वो जो रिकॉर्डेड बैच थी उसमें Hello. हेलो चली hmm. अब यहां पे कुछ क्वेरीज और आई है तो वो मैं एंटरटेन करना चाहूँगा और सबसे पहले सर टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने रहेंगे तो हमारे टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स जाएंगे अराउंड 50 टू 55. ठीक है तो 50 टू 55 जो है ये हमारे टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे अगर संडे की क्लास को एक्सक्लूड कर दे पहले तीन चार संडे तो छुट्टी रहेगी फिर देखेंगे ठीक है तो हमारा सिलेबस अप्रोक्सीमेटली जनवरी एंड तक खत्म हो जाएगा तो सिलेबस हमारा खत्म हो जाएगा जनवरी एंड तक 50 टू 55 फाइव क्लासेस जिसमें हम इफेक्टिव टाइम अगर देखें, हम इफेक्टिव टाइम देखें तो यहां पे मॉर्निंग 8 टू 11 क्लास होगी जिसमें 15 मिनट्स का ब्रेक रहेगा ठीक है तो दो घंटा चालीस मिनट पैंतालीस मिनट एक इफेक्टिव हमारी क्लास होगी स्पेशली ऑनलाइन स्टूडेंट्स के हिसाब से सर ये क्लास की हम स्पीड बढ़ा सकते हैं क्या स्पीड वही बढ़ा सकते हैं जो ऑनलाइन डाउनलोड करके देख रहे हैं ठीक है जो फेस टू फेस देख रहे हैं या जो लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहे हैं वो कैसे फिर स्पीड बढ़ाएगी नाव सर डेमो लेक्चर्स कितने रहेंगे यूट्यूब पर तो डेमो लेक्चर पाँच से सात लेक्चर्स रहेंगे जो यूट्यूब पर रहेंगे हाँ आपके सवाल हो गए कि सर ये लॉग कैसे क्रिएट करना टेलीग्राम लिंक कैसे ज्वाइन करना मैंने आपको बताया है पर उसके बाद भी आपका क्वेश्चन होगा तो आपको कल के वीडियो में जब कल हमारा यूट्यूब पे वीडियो होगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो अटैच कर दूंगा जिसमें आपने वी स्मार्ट अकेडमी पर लॉगिन कैसे क्रिएट करना है और टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है वो भी मैं आपको वहाँ पर बता दूँगा तो कल की आज तो नहीं बेटा पर कल के इसमें मैं जो है आपको लिंक अटैच करके दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में ना सर हम सीएमए इंटर कर रहे हैं या सी इंटर कर रहे हैं तो क्या यह बैच अप्लीकेबल है मैं आपको यह बता दूं इंटर न्यू स्कीम में सिर्फ जीएसटी है फिफ्टी मार्क्स का है और एग्जैक्टली exactly सिलेबस क्या सेम है उनको कस्टम्स नहीं है तो जो सीएमए न्यू स्कीम में है उनको एग्जैक्टली exactly चैप्टर भी सेम है वर्ड टू वर्ड सेम है इसलिए आप ये क्लास सिर्फ सीए इंटर नहीं सी एम इंटर की भी है एज वेल एज सीए, ए सी एस एग्जीक्यूटिव एग्जैक्टली सेम चैप्टर है जीएसटी के तो वो भी ये क्लास रेफर कर सकते हैं हाँ जो सी एम इंटर ओल्ड स्कीम में है उनको जीएसटी एस टी एज वेल एज़ कस्टम्स दोनों भी है तो जीएसटी तो वही सिलेबस है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जहाँ तक कस्टम्स की बात है तो कस्टम्स के आपको सेपरेट लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे जिसका एक वीडियो कस्टम्स के लेक्चर्स आपको कब प्रोवाइड हो गए कैसे प्रोवाइड हो गए नोट्स क्या मिलेगी आपको जो भी सीएम इंटर ओल्ड सिलेबस ओल्ड स्कीम में है उनको मेरा व्हाट्सएप पे एक वीडियो आएगा आने वाले दो तीन दिन में जिनके कस्टम के बारे में उनको बता दूंगा कि उनका कैसा होगा जहां तक जीएसटी का सिलेबस है इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज डोंट टॉक इन बिटवीन ओके जहां तक जीएसटी के सिलेबस की अगर हम बात करें तो जीएसटी का सिलेबस एग्जैक्टली सेम है सर संडे क्लास होगी क्या आपको पहले बता दू पहले तीन संडे क्लास नहीं है ठीक है पहले तीन संडे क्लास नहीं है हो सकता है फोर संडे भी नहीं है पर बाद में सिलेबस को देखकर आपका कोऑपरेशन देख के और आपने कम से कम टाइम पास किया है इस चीजों को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि संडे को छुट्टी मिल जाए लेकिन तुमने ज्यादा ही टाइम पास कर दिया तो तुम्हारा नुकसान इसमें तेरा घाटा नहीं उसके बाद में मैं आपको यह बता दूं कि ये ये तो ठीक है संडे क्लास कोर्स फिनिशिंग डेट क्या है तो कोर्स फिनिशिंग डेट हमारी जनवरी एंड रहेगी लगभग आपके सेकंड ग्रुप के क्लासेस एज वेल एज जीएसटी का क्लास आपका जनवरी एंड तक खत्म हो जाएगा और सच में टैक्सेशन का सिलेबस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू मार्क्स नो डाउट हमारे काउंसिल में ये डिस्कशन किया था मैंने भी और बोर्ड ऑफ स्टडीज में मैंने कहा था कि आप मैंने ये डिस्कशन रखा था कि सिलेबस इतना ज्यादा है कि वेटेज ऑफ मार्क्स बहुत कम है ये दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हंड्रेड मार्क्स के होने चाहिए थे पर ठीक है इंस्टीट्यूट ने नहीं माना वॉट इट मे भी पर चलो कोई बात नहीं वो हंड्रेड हो या फिफ्टी हो ओके okay, पढ़ना तो है और जीएसटी तो अपने को बहुत अच्छे से पढ़ना है टोटली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सर एक सवाल है आप जीएसटी पोर्टल वगैरह जो जीएसटी पोर्टल होता है ऑनलाइन पोर्टल क्लास में लोगे क्या बिल्कुल लूँगा क्लास में जीएसटी पोर्टल लूँगा किस तरह से हैंडल किया जाता है सारी चीज़ें नहीं समझा सकते इंटर लेवल पर पर जो जो मैं समझा सका वो जरूर आपको समझाऊंगा रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है आपको मैं प्रिंट आउट प्रोवाइड करूंगा जीएसटी पोर्टल की प्रिंट आउट और वहां पे डेटा कैसे लेना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करना ये प्रैक्टिकली हम देखेंगे मजा आएगा आपको बहुत ठीक है मैं फिर से कह रहा हूं कि मेरा क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे ज़्यादा सब्जेक्ट में मज़ा आता है ठीक है उसके बाद में लेक्चर अपलोडिंग कब कैसे होगी जैसे ही 11 बजे लेक्चर हो गया आपकी अपलोडिंग एक बजे तक हो जाएगी एक या दो बजे तक लेक्चर अपलोड हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा शाम को कभी कोई सिचुएशन रही तो तो आपको सेम डे लेक्चर्स मिल जाएंगे सो so दैट आप नेक्स्ट डे लाइव स्ट्रीमिंग में या फिर फेस टू फेस कंटिन्यू कर सकते हो ठीक है पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दो बजे तक अपलोड कर दो ठीक है इतने सवाल तो थे अभी <coughs> अब सर ये नोटबुक बताओ कितनी नोटबुक मेंटेन करनी है एक नोटबुक आपको तो जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगा उसके लिए मेंटेन करनी है अरे समझाया नहीं समझा जहां तक चार्ट ड्रॉ करना है तो वह मैंने अपने बुक में ही स्पेस दिया है चार्ट के लिए तो अपने बुक में ही चार्ट ड्रा करना है प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है उसके लिए एक नोटबुक मेंटेन करनी है और एक डायरी मेंटेन करना रफ वर्क के लिए कभी मैं कहूँ कि मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाओ ये डायग्राम निकालो चलो रफ ओके नींद आ रही है या फिर थोड़ा थे, थेरी सब्जेक्ट है तो कभी कभी थोड़ा लेक्चर बोरिंग भी हो जाता है ओके okay, तो ऐसे सिचुएशन में आपका इन्वॉल्वमेंट करने के लिए एक रफ डायरी रखो और नोटबुक आप एक ही रखो अब कोई नालायक ये पूछेगा कितने पेजेस की ठीक है नोटबुक कितने पेजेस की होगी तो जाएगा जो भी स्टूडेंट्स को इससे और कुछ डाउट्स हो गए तो साढ़े दस बजे से लेके सॉरी टेन फोर्टी से तो ग्यारह बजे तक आप अपने ऑर्डर आई और प्रिफरेबल टाइम फॉर कॉल ओके कोई भी मतलब नोट्स का इश्यू होगा इंस्टॉलेशन का इशू होगा वाटर इट में भी तो आपका ऑर्डर आईडी सिर्फ दो इंफॉर्मेशन देना है ऑर्डर आईडी एंड प्रिफरेबल टाइम मेरी टीम कनेक्टेड है मेरी टीम आपका ऑर्डर आई लिख लेगी और आपके प्रिफरेबल टाइम पे आपको कॉल बैक करेगी ठीक है तो पर मैं इतना ही कहूँगा कि किसी को कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपकी कन्वीनियंस ही मेरी प्रायोरिटी है ओके आने वाले दो तीन दिन पेशेंस रखना जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कनेक्टेड है उनके सारे इश्यूज़ रिजॉल्व कर दिए जाएंगे जो फेस टू फेस स्टूडेंट्स है वो नीचे ऑफिस में जाओ ऑफिस में टीम है वो आपके कोई भी इशू होगा इंस्टॉलेशन का वगैरह तो वो रिजॉल्व कर देगी डन ओके okay, तो चलिए अब यहां मेरे ख्याल से आपके सारे डाउट्स मैंने एंटरटेन कर लिए ओके ये मोए वाला डाउट नहीं समझा मेरे को ओके okay, यहां चलिए कितने पेजेस लगेंगे 200 पेजेस की नोट्स बनाना पड़ेगा 200 पेजेस का चलिए नोट्स हाँ, नोट्स बनाना चालू है अप्रोक्सीमेटली आपको चैप्टर्स अभी फिक्स होना बाकी है क्योंकि अभी पहले ही मॉडल बना है लेकिन अप्रोक्सीमेटली 17 चैप्टर्स जो है आपको रहेंगे, जिसमें हम अगर अभी नोट्स ओपन करें तो मॉडल वन में मैंने जो है कितने चैप्टर्स कवर किए सिक्स चैप्टर्स तो सिक्सटीन से सेवनटीन चैप्टर्स रहेंगे और वो इतने चैप्टर्स हमको करने हैं मैं सच में कह दूं कि डरना मत इतने नंबर ऑफ पेजेस चैप्टर वगैरह जीएसटी बहुत इजी है एक बार सिर्फ मेरे से समझ लो फिर आपका काम चार्ट और क्वेश्चन करेगा लगभग तीस पेजेस के चार्ट में पूरा जीएसटी हमारा बहुत अच्छे से हो जाएगा ठीक है तो चलिए पहले चैप्टर पे आते हैं सभी आ जाओ चैप्टर वन पे आ जाओ सर थोड़ा चैप्टर का बैकग्राउंड बताइए मैं बताऊंगा पर अभी चैप्टर वन पे आ जाओ ओके okay, और चैप्टर वन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लेवी ऑफ क्या जी सभी कनेक्ट हो गए चलो चलो आप कोई बात नहीं करेगा प्लीज आई नीड यूर हंड्रेड परसेंट अटेंशन ऐसा समझो कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और योर लाइफ ऑन स्टेक समझ में है ना तो यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ना है और मेरे साथ सारे कॉन्सेप्ट को एब्सॉर्व करना है देखो बेटा आप मेहनत कर रहे हो आपके मम्मी पापा ने भी बहुत मेहनत की है बस अब ये आखिरी के दो महीने क्लिक कर लो अच्छे से और क्लास के साथ साथ ही पढ़ाई कंप्लीट करो रिजल्ट आपका डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा ये और नो मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है सो आर यू रेडी तो चलिए अब यहां पे अगर हम यहां देखते कॉन्स्टिट्यूशनल लेवी कोई भी एक्ट स्टार्ट करने के पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है भाई वो एक्ट जन्मा कहां से कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे अब आते हो यहां पे तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लेवी डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पर्टेनिंग टू लेवी ऑफ टैक्सेस व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड हाउ इनडायरेक्ट टैक्सेस आर एडमिनिस्टर इन अ कंट्री सर कुछ नहीं समझा अंडरलाइन के अलावा ठीक है उतना ही समझा तो इनफ है ठीक है नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी आईटीसी के बेसिक्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं ठीक है अब देखो यहां पे मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाओ सर आपका पहला क्वेश्चन व्हाट इज टैक्स अब ये बच्चों जैसी बात हुई ठीक है टैक्स आप डायरेक्ट टैक्स में पढ़ चुके हो एक सवाल आ सकता है आपका कि सर मेरा डायरेक्ट टैक्स हुआ ही नहीं मैंने पी लिया था और पीढ़ी देखना हुआ ही नहीं फिर आज मुझे जाग आया कि जाने तो डीटी नहीं पहले आईडीटी अच्छे से कर लेते ओके अब जो हुआ सो हुआ पीढ़ी देखना हुआ नहीं हमारा डी का तो क्या हम आई से अच्छे से पढ़ सकते बिल्कुल डी और आई का कोई कनेक्शन नहीं है प्रोवाइडेड डेट बस एक ही कनेक्शन है दोनों एक सब्जेक्ट में है समझ में आया क्या बाकी कोई दूसरा कनेक्शन नहीं इसलिए जो भी आपने डीटी में पढ़ा आईडीटी के लिए भूल जाओ एग्जाम के लिए नहीं फॉरगेट इट डी अलग एंड आई डी तो आप आई डी टी जहां तक डी टी नहीं भी किया होगा तो भी आईडीटी टी आप अच्छे से कर सकते हो जहां तक वर्ड टैक्स की बात है डीटी में आपने पढ़ा होगा टैक्स द वर्ड डिराइव फ्रॉम क्या टैक्सो इट इज मैंडेटरी फाइनेंशियल बर्डन इंपोज ऑन इंडिविजुअल और लीगल एंटिटी अब ये मैंडेटरी फाइनेंशियल बर्डन इसको मजाक में मैं कहता हूं लीगल हफ्ता हफ्ता दो टाइप के होते हैं कौन से दो टाइप के होते हैं नॉन लीगल प्रोटेक्शन मनी और एक होता है लीगल गवर्नमेंट को पैसा चाहिए भाई गवर्नमेंट को पैसा चाहिए किस लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन हेल्थ मिस, ओके मिलिट्री वगैरह डिफेंस गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट जो है ये एक तरह का टैक्स इंपोज करती है मैंडेटरी बर्डन डालती है जिसे मैं कहता हूँ लीगल हफ्ता ज इट क्लियर ओके यहाँ पे इट इज नथिंग बट द मनी दैट पीपल है गवर्नमेंट विच इज यूज टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेस सर ये बताइए कि यहाँ पे ये जो है एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं पढ़ने के लिए अच्छा क्योंकि कैसा है चैप्टर का स्टार्ट हो रहा है लगना चाहिए स्टार्ट हो रहा है टैक्स है नहीं क्या ओके okay, पर एग्जाम के लिए ये भी कोई भी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है देन अब यहां जहां तक देखा जाए वॉट इज द नीड ऑफ टैक्सेस गवर्नमेंट को पैसा चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन हेल्थ मिलिट्री डिफेंस और अदर सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के लिए जो पैसा गवर्नमेंट टैक्स के फॉर्म में लेती है अब दो टाइप के टैक्सेस होते हैं बताओ कौन से दो टाइप के डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स माइक है, है स्टूडेंट्स के मुझे डिफरेंस बताओ ओके okay, जो ऑनलाइन कनेक्टेड है वो बताओ जो ऑनलाइन कनेक्टेड हो वो भी बता डिफ डिफरेंस बिटवीन हाँ पहला डिफरेंस आया कि डायरेक्ट टैक्स इज डेविड ऑन क्या इनकम एक्टिविटीज एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑन गुड्स और सर्विसेज ठीक है और दूसरा डिफरेंस हाँ मैं अभी ये स्टूडेंट्स के को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे सुने आएगा माइक रेडी होते ही मैं उधर आऊंगा ठीक है प्लीज तो बैठ जाओ जीएसटी जो है हम जीएसटी के जगह अभी बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स ठीक है डायरेक्ट टैक्स आपने क्या बोला डायरेक्ट टैक्स इज ऑन सेम पर्सन तो इनडायरेक्ट टैक्स इज ट्रांसफर पेबल बाय अनादर पर्सन ठीक है और थोड़ा जोर से बोलना

डायरेक्ट टैक्स बर्डन क्रिएट करता है पर इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन ट्रांसफर होता है चलिए कोई बोलेगा क्या ऐसे कुछ पढ़े थे आपने पर भाई साहब मेरा सवाल आपसे एक अलग है कोई अभी ऑनलाइन क्वेश्चन नहीं पूछेगा नेक्स्ट ट्वेंटी मिनट्स मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए पूरा ध्यान चाहिए हंड्रेड परसेंट अटेंशन सर उसके बाद उसके बाद भी ठीक है अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा हुआ क्या भाई ये डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स ये वर्ड्स आए कहां से कोई ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि कोई मेडिटेशन में बैठ गया आंखें खोली और आज से डायरेक्ट टैक्स लगा दो फिर वापस मेडिटेशन बैठ गया और आंखें खोली आज से इनडायरेक्ट टैक्स लगा दो ऐसा तो नहीं हुआ होगा कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिससे ये सिस्टम डेवलप हुए हो अरे आया ना चलो उस बेस को पकड़ते हैं ओके okay, ये आपने कहा कि डायरेक्ट टैक्स इनकम अर्निंग एक्टिविटी इनडायरेक्ट टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज बट ये आया कहां से ओके डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर इनडायरेक्ट टैक्स क्या रिग्रेसिव ये ठीक है आपने वर्ड्स पढ़ लिए अच्छे लगे सब कुछ ओके okay. ये समझ में आया क्या लेकिन ये जन्मे कहां से ये समझ में आया क्या चलो तो चलो उस बेस को पकड़ते हैं उस फाउंडेशन को पकड़ते हैं सबसे पहले आता हूं मैं इनडायरेक्ट टैक्स में हमारे ये एग्जाम्पल पे और इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में कैसा आया पुराने जमाने की बात है सिस्टम ऑफ मोनार की थी गवर्न बाय किंग्स ठीक है तो पहले अगर कोई बिजनेसमैन अदर किंगडम का इस किंगडम में बिजनेस करने आ रहा है तो उसको वहां के राजाओं को गिफ्ट देना पड़ता था तो ही वो बिजनेस कर सकता था अरे है ना जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आपने सुना होगा गिफ्ट देके खुश किया और फिर कंट्रोल कर लिया अरे या, या। या। पहले ये कहा गया कि हम बिजनेस करने आ रहे हैं हम सिर्फ बिजनेस करेंगे बाद में कंट्रोल कर लिया अरे ये so दोस्तों पहले एक सिस्टम डेवलप था कि कोई भी बंदा ओके okay, अगर दूसरे के किंगडम में आ रहा है और बिजनेस करने आ रहा है तो पहले वहां के राजाओं को खुश करना पड़ता था गिफ्ट देना पड़ता था एंड दिस कस्टमरी प्रैक्टिस ऑफ गिविंग गिफ्ट फॉर्मलाइज इनटू अ टैक्स ये समझ में आया क्या फॉर्मलाइज इनटू अ टैक्स लेट्स एग्जाम्पल ये जो है ये अपने अनाज की एक हजार बैग्स जो है वो एक हजार बैग्स लेके आ रहा है ओके वो एक हजार बैग्स लेके आ रहा है और यहां बेचना है उसको दूसरे किंगडम उस में अब उसमें से उसने यहाँ पे हंड्रेड बैग्स किंग को गिफ्ट दे दिया कि भाई मुझे बिजनेस करने दो तो आपके एरिया में हंड्रेड बैग्स हम गिफ्ट देते हैं आपको बची कितनी उसके पास नाइन हंड्रेड बैग्स मुझे आपसे ये पूछना है जैसा मैं यहाँ पे एक सवाल ऊपर रखा है और वो मैं ले रहा हूँ ओके ये हमारे किंगडम में कौन आ गया हाँ तो जहाँ तक देखा जाए नहीं जमाना इस किंगडम का है आजकल हाँ <laughs> जहाँ तक देखा जाए तो हाँ मैं थोड़ा मिक्स हूँ ओल्ड थाट एंड ओल्ड स्कूल एज वेल एज़ न्यू स्कूल ओके मेरा भी ट्रांजिशन फेज़ है बीस साल में मैं ये मेरा फोर्थ फेज है जहां मैं स्टूडेंट को थोड़ा अलग देखता हूँ पहले फेज वाले अलग दूसरे फेज वाले अलग अब तुम्हारा अलग ही अलग ठीक है तो अब यहाँ पे मिस्टर वीरू अ मर्चेंट ऑफ फूड ग्रेन ही वॉन्ट टू डू अ बिज़नेस पढ़ो मेरे साथ ही वॉन्ट टू डू अ बिज़नेस इन द किंगडम ऑफ किंग गबर सिंह मन में पढ़ो ही हैज ब्रॉट वन थाउजेंड फ्रॉम हिज विलेज फॉर बिजनेस

तो इसके पास कितनी बची नाइन हंड्रेड तो अब इसकी एक हजार बैग की एक हजार बैग की कॉस्टिंग थी कितनी कॉस्टिंग थी बोलो वन लैख थी पर उसमें तो सौ तो उसने फ्री दे दिया बिजनेस करने की परमिशन ली यस और नो तो अब मुझे बताओ नाइन हंड्रेड बैग्स की कॉस्टिंग कितनी है नाइन ओके okay. अब अगर आपको कॉस्टिंग प्रिंसिपल याद है कॉस्टिंग प्रिंसिपल याद है तो ये हो जाएगी। चलो मैं ऐसा लोकेट करता हूं नाइन हंड्रेड बैग्स का कितना हुआ? 900, 90, और जो हंड्रेड बैग्स दस हजार कॉस्टिंग की फ्री दिया अब वो दस हजार तो उसको कॉस्ट लगी वो किससे रिकवर करेगा मतलब ये यह हुआ यहां पे अगर जो कस्टमर को जब वो माल बेचेगा अरे ये सर नो तो उसकी 900 हंड्रेड बैग्स ओके 900 हंड्रेड बैग्स की कॉस्टिंग कितनी है 90,000. और और जो 100 बैग्स फ्री दिया उसकी भी वो कॉस्ट ऐड कर देगा अरे, उसकी भी कॉस्ट रिकवर करेगा तो 10 बैग्स ओके okay, जो उसने क्या दिया फ्री दिया किसको दिया किंग को ओके okay, वो भी उसकी भी कॉस्ट ऐड कर देगा कितना टेन थाउजेंड तो मुझे बताओ नाइन हंड्रेड बैग्स का टोटल कॉस्ट कितना हुआ 100. 100. 1 ,00 हुआ प्लस उसका मार्जिन कितना है टेन 10 परसेंट तो प्रॉफिट कितना हुआ 10 है 10 कितने बेचेगा ,00 मतलब कोई भी देखो देखो एक जन्म हो रहा है एक चीज का कोई भी प्रूडेंट बिजनेसमैन सुनिएगा कोई भी क्या प्रूडेंट बिजनेसमैन अगर उसको कुछ टैक्स के फॉर्म में देना पड़ा परमिशन के फॉर्म में देना पड़ा तो वो खुद टैक्स बेयर नहीं करता है वो कस्टमर को रिकवर कर लेगा दैट मींस बर्डन ऑन समझा है या नहीं समझा दैट मीनस बर्डन पास तो इंडायरेक्ट टैक्स को अभी का नहीं है इंडायरेक्ट टैक्स ये सालों से 2000 3000 साल पहले से जब ये प्रैक्टिस चालू थी ओके तब से जो भी गिफ्ट दिया जा रहा है किंग को दिया जा रहा है उसका कस्टमर से रिकवर कर लेना एंड बर्डन पास इट्स अ बिजनेस टैक्स आई रिपीट वर्ड क्या बिजनेस टैक्स अभी से ये डोर बांध दो ये बिजनेस टैक्स है और ये बिजनेस टैक्स जो है ओके okay, बिजनेस करने के लिए जो पैसा लग रहा है कॉस्ट लग रही है खर्चा लग रहा है या टैक्स दिया जा रहा है आज बस आप इस ये जो दस बैग किंग को दिया इसके नाम पे जीएसटी कर दो बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ रहा है अरे है ना और वो टैक्स कौन सा जीएसटी देना पड़ रहा एंड बर्डन पास ऑन टू द कस्टमर आई होप यू अंडरस्टूड तो आईडीटी कोई ऐसा मेडिटेशन से नहीं जनवाओं के कोई उठा और कह दिया से लगा दो ये प्रैक्टिस पहले से चालू है और ये पहले से चालू है क्योंकि ये बिजनेस टैक्स है लेकिन अब सवाल है कि सर फिर अब आपके मैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल देखना चाहूंगा कि आपके अकाउंटिंग रीड विध इनकम टैक्स कितने स्ट्रांग है मुझे ये बताओ अगर समझ लो कोई यहां पर मैन्युफैक्चर है ट्रेडर है सर्विस प्रोवाइडर है कोई भी होगा एम मतलब मैन्युफैक्चर टी मतलब ट्रेडर एसपी मतलब सर्विस प्रोवाइडर हाँ अब ये ये जो गुड्स बेच रहा है या सर्विसेज दे रहा है इसके कस्टमर को दे रहा है वैल्यू कितनी समझ लो वैल्यू हम लेते हैं वन लैख वैल्यू वन लाइक और उसके ऊपर बिजनेस टैक्स लगा अभी मैं जीएसटी वर्ड यूज नहीं करूंगा अभी मैं वर्ड कौन सा यूज करूंगा बिजनेस फिर धीरे धीरे जीएसटी पे आएगी अरे हाँ है ना उसके पहले था टैक्स वैट अरे हाँ है ना और अभी कौन सा जीएसटी इसलिए जस्ट टैक्स वर्ड यूज करते हैं उसके ऊपर टैक्स लगा एट द रेट टेन परसेंट कितना हुआ टेन थाउजेंड तो मैकेनिज्म कैसा होता है मैकेनिज्म होता है कि ये इनवाइस बनाता है इनवाइस में लिखता है प्राइस वन लाख एंड टैक्सेस फिर वो जीएसटी हो कोई भी हो टैक्सेस टेन थाउजेंड यह कस्टमर को पास ऑन कर देता है और बाद में ये गवर्नमेंट को पे कर देता है आई रिपीट ये कस्टमर से कलेक्ट करके किसको पे करता है ये गवर्नमेंट को पे करता है और गवर्नमेंट को पे करता है और वो कितना टेन थाउजेंड ओके वो कितना बेटा टेन थाउजेंड पे कर दिया गवर्नमेंट अब इसका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ ट्रेडिंग एंड पी एन एल अकाउंट बनाओ तो इसका सेल हुआ और बेटा इसका सेल कितने से रिकॉर्ड करोगे टोटल बिल बना एक लाख दस हजार का हाँ तो टोटल बिल बना एक लाख दस हजार कितने से रिकॉर्ड करोगे सेल? हाँ आपके पास दो ऑप्शन है एक तो क्या नेट सेल्स से? या फिर क्या ग्रॉस सेल्स नेट से इज अ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिस अरे है ना तो अब यहां पे एंट्री जर्नल एंट्री देखो मैं बहुत बेसिक्स से लेके जा रहा हूं जर्नल एंट्री क्या होगी जर्नल एंट्री होगी सेल्स की एंट्री क्या होती है कैश या कस्टमर अकाउंट डेबिट तो कैश और कस्टमर अकाउंट डेबिट कितना कितने लाना है उससे कितने लेना है उससे एक लाख दस हजार लेना है वन लाख टेन थाउजेंड लेना है टू सेल्स वन लाख टू जीएसटी और टैक्स अरे समझा क्या टेन थाउजेंड ठीक है इसके लेजर बनाओ लेजर में आपका एक कैश का लेजर बनेगा कुछ कुछ याद आ रहा है एक सेल्स का लेजर बनेगा और एक क्या टैक्स पेबल टैक्स क्या पेबल अच्छा टैक्स पेबल क्या डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ हा क्रेडिट हुआ ना तो कस्टमर अरे ये समझ में कस्टमर अकाउंट कितना दस हजार ये समझा क्या इतना भी नहीं पता तो चुल्लू पर पानी लेके डूब मरना ठीक है तो अब ये दस हजार अब मैंने गवर्नमेंट को पे किया बताओ गवर्नमेंट को ये देना था मेरे को दस हजार मेरी लाइबिलिटी थी और गवर्नमेंट को दे रहा हो तो क्या मेरी एंट्री क्या होगी टैक्स पेबल अकाउंट क्या डेबिट टू कैश और बैंक कुछ याद आया ना तो ये कैश और बैंक में दस हजार खत्म हो जाएगा इन शॉर्ट आपकी सेल्स रिकॉर्ड होगी एक लाख से और टैक्स की एंट्री बाहर के बाहर खत्म हो जाएगी बाहर के बाहर समझा गया आपका मतलब पेबल एंड कैश खत्म है क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएगी डन अब यहां पे सेल्स हमने कितनी रिकॉर्ड कर दिया सेल्स कितने रिकॉर्ड कर दिया वन लाख फिर हमारे ट्रेडिंग एक्सपेंसेस वगैरह 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 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंसेस आफ्टर डिप्रेशन माय नेट प्रॉफिट ट्वेंटी थाउजेंड तो भाई साहब ये ट्वेंटी थाउजेंड पे क्या लगता है पीजीबीपी अगर ये चैप्टर पढ़ा होगा पीजीबीपी पढ़ाया गया प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन तो आपके बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट है उस पर लगता है क्या इनकम टैक्स उस पर लगता है क्या इनकम टैक्स तो भाई साहब अब ये सवाल ये है कि जो अब देखो मैं आपके सामने एक बहुत बढ़िया सवाल रख रहा हूं देखता हूं कौन आंसर देगा जो एक लाख पे मैं ऑलरेडी जीएसटी या जो भी बिजनेस टैक्स है टेन थाउजेंड गवर्नमेंट को पे कर चुका हूं एक लाख पे दिया ना मैंने ठीक है बर्डन पास ऑन हुआ होगा पर दिया तो टैक्स मैंने पे, पे कर चुका हूं अब उसी एक लाख में से बीस हजार का प्रॉफिट हुआ है उसी एक लाख में से बीस हजार का प्रॉफिट हुआ है उसपे गवर्नमेंट इनकम टैक्स ले रही है ये समझाया नहीं समझा तो सर ठीक है पर फर्स्ट इंस्टेंस में लगता है कि ये डबल टैक्सेशन है ऑब्जेक्ट अलग हो गए जो भी हो गए पर फर्स्ट इंस्टेंस में लगता है ये डबल टैक्सेशन है कैसे डबल टैक्सेशन है वो एक लाख पे बिजनेस टैक्स दिया अरे हाया ना बिजनेस टैक्स कहां से आया गब्बर सिंह वाला एग्जाम्पल कुछ याद आया क्या वहां से डेवलप हुआ इनडायरेक्ट टैक्स अब उसी एक लाख का प्रॉफिट बचा उस प्रॉफिट पे भी हम क्या दे रहे हैं इनकम टैक्स सर ये तो डबल टैक्सेशन हुआ। गवर्नमेंट लूट रही है हमें ओके यहां पे भी टैक्स ले रही है प्रॉफिट पे भी टैक्स ले रही है ये क्या लगा के रखा गवर्नमेंट में ये कैसा इश्क है जो डबल डबल होता है अरे या ना सो दोस्तों मैं आपको ये बता दू ये वैसे देखा जाए तो डबल है पर एक्चुअल में डबल टैक्स नहीं है दोनों के ऑब्जेक्ट अलग अलग है दोनों के ऑब्जेक्ट्स अलग नाउ जो इंडायरेक्ट टैक्स है ये बिजनेस टैक्स है जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर पर्सन हा ना सर ये बिजनेस टैक्स है ट्रांसफर होता है सब आपका सही है पर हमें तो क्लियर दिख रहा है कि ये डबल टैक्सेशन है नाउ इनकम टैक्स का ऑब्जेक्ट जो हम लगा रहे हैं इसका ऑब्जेक्ट अलग है सर ऑब्जेक्ट अलग है मतलब इनकम टैक्स क्यों लगाया जा रहा है नौ यहां पे चाणक्य के जमाने से ये इनकम टैक्स डेवलप हुआ अब थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं इनकम टैक्स कैसे डेवलप हुआ कैसे डेवलप हुआ कहा कब से नहीं नाला है ठीक <laughs> है कैसे डेवलप हुआ ये देखा जा रहा था कि जो बिजनेसमैन ध्यान सुनना जो बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है और बिजनेस टैक्स लगा रहे है। तो वो क्या कर रहा है बिजनेस टैक्स पास ऑन मतलब बर्डन उसके ऊपर नहीं आ रहा है तो बर्डन पब्लिक पे चले गया हा या ना और वो फिर प्रॉफिट एक्यूमुलेट कर रहा है तो इकोनॉमी दो क्लास में डिवाइड होने लगी रिच क्लास एंड पुअर क्लास जो रिच क्लास था बिजनेस कर रहा है प्रॉफिट एक्यूमुलेट करते जा रहा है और टैक्स लगा कि पास ऑन ये समझ में आया क्या और बिजनेस कर रहा है प्रॉफिट अक्यूमुलेट कर रहा है तिजोरी में पैसा आ रहा है और टैक्स लगा की पास हो ये समझ तो में में इनके तिजोरियों पैसा जमा हो रहा है और इकोनॉमी दो पार्ट में डिवाइड हो रही है रिच और पुअर क्लास रिच बिकम मोर रिचर एंड पुअर बिकम मोर पुअर आज भी देखा जाए तो अंबानी अदानी पूरा इंडिया ले लो अरे ना। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपके किंगडम में या कंट्री में यह सिचुएशन क्रिएट होती है तो यह बहुत डेंजरस है कंट्री के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है कुछ मुठ्ठीवर लोगों के हाथ में कंट्रोल जा रहा है ये समझ में आया क्या तो फिर सोचा गया कि नहीं जो पैसा एक्यूमुलेट कर रहा है प्रॉफिट उसके तिजोरी पे अटैक किया जाए और तिजोरी से पैसा निकाला जाए इनकम टैक्स को तिजोरी टैक्स भी कहते हैं अरे है ना तिजोरी से पैसा निकाला जाए मतलब सर तिजोरी मैंने तो लॉक लगा हुआ लगाया नालायक जाओ अब इतना लिटल मत जाना हाँ गवर्नमेंट सीधा तुमने जो कमाया उससे दो और तुम ये बर्डन पास ऑन नहीं कर सकते ओके तुम्हारे इनकम में से चाहिए क्यों गवर्नमेंट हमारी इनकम में से ले रही है क्योंकि गवर्नमेंट इज गोइंग टू बैलेंस द इकोनॉमी इसलिए अगर आप इनकम टैक्स के स्लैब देखते हो तो दस परसेंट और तिजोरी में पैसा आया बीस परसेंट और पैसा आया तीस परसेंट प्लस सेस वगैरह मिला के फोर्टी टू परसेंट अरे आया ना जैसा जैसा पैसा बढ़ेगा गवर्नमेंट तिजोरी से पैसा निकालेगी अब जो पैसा कमा रहा है वो परेशान है वो कह रहा है कि ये तो अंडो हार्डशिप है मेहनत मैं कर रहा हूं चिल्ला मै रहा हूं ठीक है समझा मैं रहा हूं ओके okay, और जो मैं कमा रहा हूं उसमें से सीधा गवर्नमेंट पैसा ले रही अरे हाँ है ना और सीधा और बर्डन नॉट ट्रांसफरेबल इनकम टैक्स का बर्डन नहीं होता है समझ लो आज मेरे वाइफ को जो है पता चल गया बैच है ओके okay, और आज बैच जो है पैसा मैंने कमा लिया ओके okay, समझ लो पांच लाख रुपए कमाया ठीक <laughs> है समझ लो क्या पांच लाख रुपए कमाया और मैं घर पे लेके गया और मेरे वाइफ ने कहा ओजी सुनते हो अब ओजी ओजी का जमाना क्या रहा विशु ठीक <laughs> है जैसे आप अगर मेरा नाम देखते हो विशाल ये मेरा नाम है और मेरे वाइफ का नाम है तो तो जहां तक आप देखते हो तो हमारा इशू विशु चलते रहता है तो इश्यू ये है ओके <laughs> तो इश्यू ये है ध्यान से सुनो कि मैं घर पे गया आज बैच का पैसा पांच लाख रुपए लेके गया मेरे वाइफ ने कहा ओके समझ लो हां मेरे वाइफ ने कहा कि हाँ विशु आ, मुझे ना शॉपिंग के लिए पचास हजार पचास हजार ओके शॉपिंग के लिए बस नहीं बोलना वो भी शादी के पंद्रह साल बाद बिल्कुल नहीं है <laughs> स्टार्टिंग में ओके है <laughs> तो अब यहाँ पे पचास हजार हाँ चाहिए वो पचास हजार फिर मैंने ज्यादा बहस नहीं किया वैसे आदत लग गई मैं ज्यादा बहस नहीं करता मैंने कहा चलो ठीक है ओके पचास हजार दिया पर मैंने क्या किया मैंने ऐसा किया कि तुझे पचास हजार चाहिए उसने कहा हाँ तो मैंने यहाँ का देख ये पांच लाख रुपए मैं उसको समझा रहा हूँ पांच लाख है पांच लाख में से दस परसेंट टैक्स लग जाएगा इनकम टैक्स इनकम टैक्स लगेगा ना मुझे तो इनकम टैक्स बचा कितना चार पचास तो तू अगर पचास मांग रही है तो मैं इनकम टैक्स का भी बर्डन पास ऑन करूंगा मतलब फोर्टी फाइव दूंगा सुनने में भी अजीब लगता है ठीक है सुनने में भी अजीब लगता है मैं फोर्टी फाइव दूंगा अरे उसने मुझे पचास चाहिए नो इनकम टैक्स बर्डन पास ऑन ओके तो उसने कहा ये रितिक स्टाइल बंद करो पास ऑन समझ में आया क्या तो यहां पे ओके नहीं 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 ऐसा समझ कि तुझे पचास मिल गया अरे क्या समझे पचास मिल गया यार जिसके साथ इनकम शेयर कर रहा हो इमेजिन करो इनकम टैक्स का बर्डन इमेजिनेशन इनकम टैक्स का बर्डन पास ऑन होता तो कैसे होता अरे समझ ना इमेजिन कैसे होता है बर्डन पास ऑन कि मैं वाइफ को पास ऑन कर रहा हूं समझ के पचास मिल गए दे रहा हूं पैतालीस हाथ में अरे आया ना फिर वो मेरे बच्चे आ गए सर ओके सर <laughs> पापा यहाँ पे स्कूल की फीस देना है कितनी फीस है पचास हजार तो मैंने दिया पैतालीस फोर्टी फाइव थाउजेंड दिया और मैंने कहा दे दो उसको फीस अरे पर पापा पचास देना है स्कूल में टीचर को बोलना बर्डन पास ऑन <laughs> अरे समझ में आए क्या बर्डन पास ऑन फिर मेरे पेरेंट्स है बेटा बीस हजार रुपये चाहिए मैंने एटीन दिया और मैंने क्या बर्डन पास ऑन पता चला कि मैं घर के बाहर खड़ा हूं और सब बोलते बर्डन <laughs> तो, हेलो तो इन शॉर्ट इनकम टैक्स का बर्डन ऑन नहीं होता जिसके साथ हम शेयर करते हैं क्योंकि वो तिजोरी टैक्स है और वो तिजोरी पे गवर्नमेंट ने अटैक किया हुआ है क्योंकि डोंट अलाउ एनीबडी टू एक्यूमुलेट द इनकम इट इज डेंजरस सिचुएशन फॉर अ कंट्री टैक्स लगाओ और पब्लिक में लाओ और इकोनॉमी को बैलेंस करो हाँ आपको थोड़ा दिक्कत जाता है कि कमा में रहा हूं मेहनत मैं कर रहा हूं और गवर्नमेंट सीधा सीधा चालीस परसेंट ले रही है थोड़ा दुख होता है पर कंट्री के लिए जरूरी है और फिर इसमें आप आना गानी करते हो पेमेंट के लिए तो तब आता है फिर पिक्चर में टी डी एस टीसी अरे है ना कि बेटा एक काम करिए इसके जेब में आने के बाद ये आना गानी करेगा अरे है ना पहले ही काट ले पहले ही काट ले क्योंकि ये बोलेगा मेहनत मैंने की सब कुछ मैंने किया अरे और काट दिया अरे है ना तो ऐसे केस में जहां तक देखा जाए साइलेंट प्लीज तो ऐसे केस में दोनों का ऑब्जेक्ट अलग है दोनों यहां पे डबल टैक्सेशन नहीं है ये पहले दिन ही समझ लो मुझे बाद में क्वेश्चन मत पूछना आपके क्वेश्चन बार बार ऐसे आएंगे कि सोर इनकम टैक्स में तो ऐसा देखा था पहले मैं दो तो खींच के दूंगा इनकम टैक्स अलग जीएसटी अलग ये समझ में आया क्या तो अब ऐसे केस में जहां तक देखा जाए जीएसटी बिजनेस टैक्स है बिजनेस पे लग रहा है बर्डन क्या पास ऑन होगा एंटायर बर्डन इज ऑन अल्टीमेट कंज्यूमर और दूसरा ओके इनकम टैक्स तिजोरी टैक्स है तो इसलिए हम कहते हैं कि इनकम टैक्स इज ऑन इनकम अर्निंग एक्टिविटी

Payable by person concern, yes. जिसने कमाया वही देगा वो बर्डन पास ऑन नहीं कर सकता बट इंडक्ट टैक्स पेबल बासने भी यहां पर गवर्नमेंट के रेवेन्यू में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया और सुबह से करते हो आप हर दिन सुबह उठते ही गवर्नमेंट के रेवेन्यू में कॉन्ट्रीब्यूशन करते हो सर कैसे सुबह गए सुबह गए चाय पिया चाय के साथ बिस्किट लिया बिस्किट एम आर पी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है ना, ना। yeah. फिर ब्रेकफास्ट किया ब्रेकफास्ट में समझ लो अगर नहीं नहीं पोहा वहां से लिया जिसका टर्न और बीस लाख के ऊपर है क्योंकि बीस लाख से नीचे एग्जम्शन है तो उससे पोहा खरीदा जीएसटी सीसीडी से गए कॉफी पी क्या जीएसटी फिर क्लास में आए जीएसटी फिर खाना खाने गए जीएसटी फिर ऑटो में बैठे जीएसटी हे होटल में सो so, ऐसे केस में इन शॉर्ट आप पे बर्डन हर वक्त पास ऑन हो रहा है जब जब भी कोई बिजनेस एक्टिविटी आप खरीद रहे हो गुड्स की है या सर्विस की आप गवर्नमेंट के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहे हो पर आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हो वो डायरेक्टली नहीं कर रहे हो ये समझा क्या आप क्या इनडायरेक्टली कर रहे मतलब अल्टीमेटली okay, पैसा इसने दिया जीएसटी का पर इसने डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं दिया इसने जो है इनडायरेक्टली दिया अरे समझाया नहीं समझा इनडायरेक्टली दिया तो बर्डन इज ट्रांसफरेबल टू द कंज्यूमर आई होप यू अंडरस्टूड यहां तक सबको क्लियर है डन अब देखो यहां पे एक एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज पे आते हो तो मैंने लिखा येस बेटा जो ऑनलाइन कनेक्टेड है सबको क्लियर है यस और नो जो ऐप में कनेक्टेड सबको क्लियर है हाँ। अब एग्जाम्पल लेते हैं मिस्टर ए देखो नेक्स्ट पेज पे एग्जाम्पल लेते हैं मिस्टर ए, सोल्ड द गुड्स मिस्टर ए सोल्ड द गुड्स टू मिस्टर बी फॉर रुपीज वन लैख सेल्स टैक्स इज पेबल ऑन सच गुड्स टेन परसेंट डिटरमाइन द टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर ए टू बी लुक टोटल प्राइस कितनी होगी देखो देखो वहां पे डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल प्राइस वहां पे मैंने स्पेस दिया है क्या yes. नहीं नहीं प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आपको नोटबुक यूज करना पड़ेगा तो अभी जो आपके पास नोटबुक है उसमें सॉल्व करो और नोटबुक में आपको एग्जाम्पल नंबर देना है एग्जाम्पल नंबर देना है पेज नंबर देना है ठीक है क्रॉस रेफरेंस देना है आपको और इतना क्रॉस रेफरेंस दो कि यहां पे भी आप नोटबुक का रेफरेंस नंबर दो समझ में आया ना तो बाद में आपको ट्रेस करने आसान होगा तो यहां लिखो नोटबुक में लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर ए टू मिस्टर बी हम्म प्रॉपर लिखना पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज अमाउंट इन रूपीज पर्टिकुलर्स में प्राइस ऑफ द गुड्स कितना है आपका वन लैख और उसके ऊपर सेल्स टैक्स अभी मैं जीएसटी पिक्चर में नहीं ला रहा हूं ठीक है मैं धीरे धीरे पिक्चर में लाऊंगा जीएसटी को अभी तो बस बिजनेस टैक्स समझ लो ये सर नो तो सेल्स टैक्स एट द रेट टेन परसेंट कितना हुआ 10, तो आपकी टोटल प्राइस वन लैख टेन थाउजेंड आपकी टोटल प्राइस वन टेन थाउजेंड ठीक है ये आपकी टोटल प्राइस हो गई अब नीचे एक एग्जाम्पल दिया है सर ये ये बताइए ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये चेन में कैसे चलता है जैसे मैन्युफैक्चर ने गुड्स बनाया और मैन्युफेक्चर ने गुड्स किसको दिया डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर ने किसको बेचा होलसेलर होलसेलर ने रिटेलर और रिटेलर ने अल्टीमेट कस्टमर पहले मेरे साथ लिखो और फिर मैं आपको ये चेन पूरी एक्सप्लेन करता हूं ठीक है न आगे बढ़ने के पहले एक पॉइंट समझ लो कोई भी इकोनॉमिकल लॉ में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इकोनॉमिकल लॉ में आपका टैक्स कलेक्शन एंड ऑपरेशन की तीन स्टेजेस होती है पहला होता है लेवी दूसरा होता है असेसमेंट दूसरा होता है असेसमेंट एक मिनट बाद में लिखना है अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ दूसरा होता है असेसमेंट और तीसरा होता है आपका क्या कलेक्शन कलेक्शन किसी को रफ में डायरी में लिखना लिख सकते हैं आगे नोट्स में आएगा लेवी असेसमेंट एंड क्या कलेक्शन लेवी मतलब क्रिएशन ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज असेसमेंट मतलब क्वांटिफिकेशन क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्ज और कलेक्शन मतलब रिकवरी कलेक्शन मतलब रिकवरी सर आप क्यों पढ़ा रहे हो यो बताता हूं तो कोई भी इकोनॉमिकल लॉ में यहां पे तीन स्टेजेस होती है ओके क्रिएशन ऑफ चार्ज क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्ज एंड जैसे आपने इनकम टैक्स पढ़ा इनकम टैक्स में पहले आपने ये समझा कि लेवी किस पे है लाइबिलिटी किसके ऊपर आपने सेक्शन टू में इनकम की डेफिनेशन पढ़ी और लेवी इज ऑन किसके ऊपर है इनकम एंड इनकम ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फाइव हेड्स बताओ कौन सी फाइव हेड्स सैलरी हाउस प्रॉपर्टी पीजीबीपी कैपिटल गेन एंड एक्सेट्रा हाँ तो वहां लेवी इनकम पे है पहले आपने ये समझा कि लाइबिलिटी कब आती है दूसरा फिर आपने क्वांटिफिकेशन किया कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम फिर आपने कॉम्पिटिशन किया और थर्ड जो भी टैक्स कॉम्प्यूट किया वो आपने क्या पे किया पे किया तो हर एक्ट में कोई ऐसे इवेंट होते हैं जिसके ऊपर टैक्स है इनकम टैक्स का इवेंट पर्सन नहीं है इनकम टैक्स ये बहुत ध्यान से सुनना सभी ने सभी ने जो ऑनलाइन कनेक्टेड हो भी ध्यान दो इनकम टैक्स का इवेंट पर्सन नहीं है इनकम टैक्स का इवेंट है इनकम ऑन और जो बंदे ने इस इवेंट को टच किया करंट लगा नहीं समझा नहीं समझा अगर बच्चा है दो साल का उसकी कोई इनकम नहीं पर पर्सन है अरे है ना सर उसके ऊपर इनकम टैक्स लगाओगे आप नहीं। सर वो क्लबिंग वगैरह वो कुछ कमाता होगा तो नहीं कमा रहा है तो उसके ऊपर लगाओगे आप टैक्स क्यों नहीं क्यों नहीं लगाओगे नहीं। वो भी तो पर्सन है मेन इवेंट है इनकम ऑन और जो बच्चा बूढ़ा ओके okay, या इंसान जो एडल्ट है वो ये इवेंट को टच करेगा करंट लगेगा नहीं समझ फिर वो इनकम सैलरी हो हाउस प्रॉपर्टी हो पीजीबीपी हो या फिर तो मुझे बताओ इनकम टैक्स पर्सन पे है या इवेंट्स पे है कौन से इवेंट्स पे इनकम ऑन इवेंट पे अरे है ना कोई अस्सी साल का एड बंदा है जाके एवरेस्ट पे बैठा है ओके okay, कोई पैसा नहीं कमा रहा है उससे कौन टैक्स मांगेगा क्यों क्योंकि क्यों, क्यों, उसने इनकम ऑन ये इवेंट को टच ही नहीं किया ये समझ में आया इंडिया में फिलहाल तो टैक्स पर्सन पे नहीं है जैसे चाइना में है चाइना में है कि दो से ज्यादा बर्थ हुआ पे टैक्स अरे यहां है ना इंडिया में तो भगवान की देन है ये समझा क्या तो इनकम टैक्स नॉट ऑन पर्सन इनकम टैक्स इज ऑन इनकम आन और जो जो इनकम अर्न करेगा उसको टैक्स आएगा चलिए सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो वैसे ही मुझे यहां आपको पढ़ाना है जैसे जीएसटी आने के पहले सेल्स टैक्स इज ऑन सेल ट्रांजेक्शन इंडिया में जो जो भी सेल करेगा उसके ऊपर क्या लगेगा सेल्स टैक्स आज जीएसटी जो जो भी सप्लाई करेगा सप्लाई मतलब आगे पढ़ेंगे उसके ऊपर क्या लगेगा जीएसटी सर ठीक है समझा तो इवेंट क्या है इवेंट है सेल सप्लाई वॉट एवर इट मे भी अरे ये समझाए नहीं उस इवेंट को जिसने टच किया गया फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक 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 है है मैं अभी देखो बंदा ही है। पर इतने इवेंट्स को टच कर रहा है ना इसने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया इंडिया में ओके okay, जैसे ही इंपोर्ट किया रॉ मटेरियल एक इवेंट को टच किया बताओ कौन से इवेंट को टच किया इंपोर्ट क्या लग जाएगी कस्टम ड्यूटी अरे ना क्या लग जाएगा कस्टम ड्यूटी लग फिर वो रॉ मटेरियल लाया रॉ मटेरियल से उसने फिनिश गुड्स बनाया और वो सप्लाई किया सप्लाई पे अब सप्लाई किया तो एक और इवेंट को टच किया क्या जीएसटी फिर ये जो सप्लाई किया उससे इनकम कमाया उससे क्या कमाया इनकम इनकम इवेंट को टच किया इनकम टैच फिर अपने गुड्स की वो सर्विस दे रहा है तो फिर से जीएसटी मतलब पर्सन एक इवेंट जहां जहां वो टच करेगा करंट लगेगा रिलेटेड बात कर रहा हूं ये समझ में आया ना वहां वहां करंट लगेगा तो ये, मतलब मेरा ये कहना क्या है मेरा आपको ये कहना है सुनो मैं क्यों पढ़ा रहा हूं ये सब चीजें मुझे ये एग्जांपल में पढ़ाना है मैन्युफैक्चरर ने सेल किया डिस्ट्रीब्यूटर को उसने सेल को टच किया टैक्स फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को सेल किया फिर से सेल को टच हुआ टैक्स समझाया नहीं समझा होलसेलर yeah, ने क्या yeah. रिटेलर को सेल किया फिर से सेल इवेंट को टच हुआ yeah. टैक्स। और यहां पे रिटेलर से कस्टमर तक जा रहा है फिर से, yeah. 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 सेल इवेंट को टच हो रहा है टैक्स सो so, मतलब सर इतने बार सबको टैक्स देना पड़ता है हा बट नो बट शट ओनली कट टू कट सर मैं इसका मतलब यह समझ ले कि भाई आ, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते किसी मैन्युफैक्चर टैक्स दे रहा बाकी कोई नहीं ले रहे नहीं। जब जब भी जो जो भी सेल को टच करेगा टैक्स आएगा जब जब भी जो जो भी सप्लाई को टच करेगा जीएसटी आएगा मतलब सर हर स्टेज पे टैक्स लगेगा हाँ इसको मल्टी स्टेज टैक्स कहते हैं इसको क्या कहते हैं ये सिंगल पॉइंट टैक्स नहीं है मल्टी स्टेज टैक्स है आई होप यू अंडरस्टूड तो ऐसे केस में चलो आप टैक्स लगाते ये लॉजिक समझा क्या yes, मैं कोई भी चीज ना इतनी बेसिक से लेके जाऊंगा ना कि आपके दिमाग में घुसा दूंगा चीज कि वो बनी कैसे बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप मुझे कोऑपरेट करो yes, रोमेश yes, चलो तो अब यहां पर मैनुफैक्चर मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूटर को सेल किया अभी जीएसटी नहीं अभी सेल्स टैक्स लगाते फिर जीएसटी लाएंगे पिक्चर में ठीक है तो इसने सेल किया वैल्यू है एक लाख रुपए लिखो वैल्यू वैल्यू एक लाख रुपए तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स कितना अज्यूम रेट टेन परसेंट अज्यूम रेट टेन परसेंट ठीक है तो कितना है बेटा टेन थाउजेंड अच्छा मुझे बताओ मैन्युफैक्चरर ने दस हजार का बर्डन पास ऑन किया किसको पास ऑन किया अच्छा गवर्नमेंट को ये दस हजार कौन पे करेगा अभी क्लियर हो जाना हाँ अभी क्लियर हो जाए ध्यान रख के नींद आ रही होगी दो मिनट चिमटा लो अपने आप को ये समझा क्या अभी क्लियर हो जाओ तो गवर्नमेंट को कौन देगा ये दस हजार मैन्युफेक्चर दे देगा एंड बर्डन पास ऑन दस हजार पे करेगा और ये बर्डन पास ऑन करेगा टोटल एक लाख क्या दस हजार ये बताओ इसकी परचेस कॉस्ट कितनी हुई एक दस हुई क्या मैं इसकी परचेस कॉस्ट बोल सकता हूं अब इसका वैल्यू एडिशन हाँ लिखो इसका वैल्यू एडिशन ये कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लो वैल्यू एडिशन मतलब समझ लो इसका वैल्यू एडिशन बीस हजार रुपए है इंक्लूडिंग प्रॉफिट ठीक है किसी को लिखना होगा तो वैल्यू एडिशन उसके खर्च है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूटर भी सैलरी दे रहा है अरे है ना स्टेशनरी एक्सपेंसेस कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी कर रहा है बिजनेस करने के लिए उसके खर्चे रेंट भी दे रहा है प्लस उसका प्रॉफिट पर यूनिट निकाला जाए तो पर यूनिट उसका आ रहा है प्रॉफिट मिलाकर कितना ट्वेंटी थाउजेंड तो इसके आगे मैं अगर वर्ड यूज करूं वैल्यू एडिशन मतलब मतलब एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट बोलो एक बार मेरे साथ फिर से बोलो वैल्यू एडिशन मतलब एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट ये समझ में आया ना उसके जो एक्सपेंसेस अब मुझे बताओ उसने एक लाख दस हजार का खरीदा अरे ये और नो उसमें बीस हजार का वैल्यू एडिशन कर दिया तो आगे जब वो बेचेगा ये बोलो जब वो सेल करेगा आगे इंक्लूडिंग प्रॉफिट बीस हजार है तो कितने में सेल करेगा वन लैख थर्टी थाउजेंड तो वैल्यू क्या होगी वन लाख थर्टी थाउजेंड पर पर उसने सेल इवेंट को टच किया सेल इवेंट को टच किया कि उसको भी करंट लगा तो फिर से उसके ऊपर क्या लग जाएगा सेल्स टैक्स एट द रेट क्या लिखते जाओ कितना आ रहा है थर्टीन थाउजेंड टोटल वन लैख फोर्टी थ्री थाउजेंड येस और नो ठीक है अब ये वन लैख फोर्टी थ्री थाउजेंड परचेज कॉस्ट फॉर पर होलसेलर अरे सर yes, इसका वैल्यू एडिशन ले लो इसका वैल्यू एडिशन ले लो साउंड क्लियर आ रहा है ना सभी को साउंड क्लियर है ना ये बुक में ही लिखना है हमारे जो रेगुलर बुक है डायग्राम पे ही लिखना है हाँ अब देखो यहां पे इसका वैल्यू एडिशन लेते थर्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड तो बताओ जब ये आगे सेल करेगा तो कितने में सेल करेगा वन लैख सेवेंटी तो लिखते जाओ वन लैख क्या सेवेंटी थ्री थाउजेंड उसके ऊपर क्या लगाएगा सेल्स टैक्स एट द रेट टेन परसेंट कितना आ रहा है सेवनटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड ठीक है तो टोटल वन लैख थाउजेंड थ्री हंड्रेड क्या ये परचेज कॉस्ट रिटेलर के लिए हो गई रिटेलर को सेल किया अल्टीमेट कस्टमर ये कस्टमर अब अल्टीमेट है जिसने मोबाइल खरीदा है टीवी खरीदा है मतलब आप पूरी चेन से आ रहा है मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर होलसेलर से रिटेलर और अल्टीमेट कस्टमर मतलब आप आप मोबाइल खरीद रहे हो टीवी खरीद रहे हो जो भी है उसकी परचेज कॉस्ट कितनी है वन लैख नाइनटी थाउजेंड क्या थ्री हंड्रेड प्लस इसका वैल्यू एडिशन ले लेते हैं इसका वैल्यू एडिशन ले लेते हैं और ये वैल्यू एडिशन समझ लो यहाँ पे फोर्टी थाउजेंड तो ये कितना आ रहा है वन नाइनटी टू थर्टी थ्री थ्री हंड्रेड उसकी टू थर्टी टू थर्टी थ्री हंड्रेड ठीक है और उसके ऊपर सेल्स टैक्स ये मैं जो भी राइटिंग नोट्स है वो राइटिंग नोट्स में शेयर कर दूंगा आपके लॉग इन में भी मिल जाएगी। तो जिसके पास नोट्स नहीं भी होगी तो वो बाद में भी इसको कवर कर सकता है ठीक है जितना भी मैं स्क्रीन पे लिखूंगा चार्ट्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट है सब मैं हैंड रिटर्न आपके लॉग में शेयर कर दूंगा डन ठीक है तो इसके ऊपर सेल्स टैक्स कितना तो कितना आया हाँ एक तो सेल्स टैक्स कितना आ रहा है टू थ्री जीरो थ्री जीरो ठीक है टोटल प्राइस टू फिफ्टी थ्री थ्री थर्टी अगर आप केयरफुली देखोगे तो दो चीजें आपको आइडेंटिफाई होगी बताओ कौन सी दो चीजें हर स्टेज पे सेल्स टैक्स लग रहा है अब मुझे बताओ हर स्टेज पे तो ये जो लास्ट प्राइस है क्या ये जो लास्ट प्राइस है दो लाख तीस हजार तीन सौ अरे हाँ है ना टू थर्टी थ्री थ्री हंड्रेड क्या उसमें पहले वाले का सेल्स टैक्स इंक्लूडेड है उसके पहले का इंक्लूडेड है उसके पहले का इंक्लूडेड है एंटायर बर्डन पास ऑन टू अल्टीमेट कंज्यूमर नहीं समझा एंटायर बर्डन इज पास ऑन टू अल्टीमेट कंज्यूमर जब तक बिजनेस चेन चालू है तब तक आगे बढ़ेगा ये समझा नहीं समझा yes, और पूरा बर्डन अल्टीमेट कंज्यूमर पे जा रहा है जितने भी पूरे चेन में टैक्स लगा इज फीचर ऑफ टैक्स दूसरा आपका एक सवाल आएगा और वो ये आएगा कि सर आपको नहीं लगता है रहा यहाँ के या ना नहीं लगता टैक्स ऑन टैक्स हो रहा है कैसे yes, हाँ yes, टैक्स ऑन टैक्स हो रहा है बताओ yes, कैसे टैक्स टैक्स हो रहा है ये एक लाख तीस हजार में ये एक दस लाख एक लाख दस हजार इंक्लूडेड है आया ना और वो वन थर्टी पे टैक्स लगा दिया मतलब टैक्स on, टैक्स ऑन अब आपका जो आगे वन सेवेंटी थ्री है उसमें तो दो टैक्सेस इंक्लूडेड है बताओ कौन से दो टैक्सेस इंक्लूडेड है ये प्लस वो और उस पर टैक्स लगा दिया फिर से आता है टैक्स ऑन टैक्स इसको हम कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट क्या कहते हैं स्पेलिंग वेट करना ओके कैश कैडिंग इफेक्ट और ये और आगे बढ़ रहा है मतलब ये टैक्स ऑन टैक्स लगते जा रहा है और ये इंडिया में हो रहा था ये इंडिया में हो रहा था पर फिर जन्म हुआ जीएसटी का और जीएसटी के भगवान आए नहीं मैं नहीं नहीं जीएसटी 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 ओके जीएसटी और उसने ऐसा कुछ कमाल दिखाया कि ये जो बिजनेस वालों को डबल टैक्सेशन लग रहा है जन्म हुआ आईटीसी का आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट का सर ये कैसे चलता है क्रेडिट वगैरह देखेंगे नेक्स्ट सेशन में ठीक है, है? यहां रुक जाओ यहां रुक जाओ यहां रुक जाओ ओके okay. रवि सर रवि सर को बार so, दोस्तो, सर दोस्तों आई वॉन्ट टू वेलकम रवि टावरी सर हेलो 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 यस सो सो लेट्स हैव बिग एपोलॉजाइज फॉर रवि सर सो बिग एपोलॉज फॉर रवि सर वेट 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ दो मिनट रुक जाओ वेट वेट रुक जाओ बैठो बैठो हेलो 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 हाँ खाना खा के जाना अरे हाँ। गाइस <laughs> uh, मैं सुबह देख रहा था मतलब इतने बड़े क्लासरूम में इतने सारे बच्चे और ऑनलाइन सो बहुत सारे बच्चे लेकिन सारे मुश्किलों को क्रॉस करते करते फाइनली आपका जबरदस्त शुरुआत हो ही गया Guys, uh, 11. 15 से हम लोग ऑडिट शुरू करने वाले हैं आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट आई एम अमंग्स द रैंक होल्डर फैकल्टीज बहुत कम है 15 प्लस एक्सपीरियंस आई एम एक्स पीडब्ल्यू सी मुंबई ऑफिस मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया हुआ आईडीएफ सी म्यूचुअल फंड से और uh, मैं फाइनल और इंटर दोनों लेवल को पढ़ा रहा हूं आप लोगों को पता होगा ऑलमोस्ट सेवन स्टैंडर्ड्स फ़ाइनल लेवल के इंटर लेवल पर आ चुके हैं तो क्योंकि पंद्रह साल से वहां पे पढ़ा रहा हो तो इसलिए बहुत आसान है कि वो स्टैंडर्ड्स यहां पर लेकर जाए गाइज वी आर नोन फॉर अवर नोट्स विशाल सर मैं आपको बता दूँ दो बारह में मैं मिला था उनसे और सर ने मैंने गाइडेंस दिया था सर से और तब मैंने मेरे नोट्स बदले थे तब सर ने बोला था रवि तू तो पुणे आ जा तो और फिर बोला सर नहीं अभी नागपुर मैं एकदम पीक पे चल रहा हूँ सर कैसे आऊँ मैं तो मेरे को सर टॉन बोलते थे अच्छा तेरे को बीवी से बहुत प्यार है तेरे को आना हा? नहीं है बट फाइनली इट हैपन दैट इन कोविड मैं जुड़ा वी स्मार्ट से और पिछले ऑलमोस्ट वन एंड हाफ ईयर मैं बैचेस ले रहा हूँ एक जो बच्चों के मन में डाउट था वो मैं क्लियर कर रहा हूँ पहले ऐसा होता था कि मैं दो लोकेशन मैनेज करता था नागपुर एंड पुणे दोनों लोकेशन में पढ़ाता था बट देन आई रियलाइज्ड कि अगर पूरी तरीके से सैटिस्फाई करना है बच्चों को तो एक ही लोकेशन पॉसिबल है हाँ सेटिस्फाई <laughs> सर मैं आपका लेक्चर देख रहा था पहले वर्ड से बिगाड़ बिगाड़ दिया दिया सब तो सैटिस्फाई करने के लिए नाउ आई एम अ फुल टाइम पुणे रेसिडेंट विथ माई फैमिली और यहीं पे रह के पूरे आपके मैं क्लासेस कराऊंगा किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज इसमें अब नहीं होता है आपको हर लेक्चर का ऑडियो रिविजन मिलता है पूरे इंडिया में अपन देते हैं आपको अभी सैंपल बुक मिलेगी मैं आपको बोलूंगा जरूर सैंपल बुक सैंपल नोट्स आपको ऑडिट के मिलेंगे आप जरूर कंपेयर करिएगा उसके जो चार्ट्स है उसके जो शॉर्टकट्स है पूरे इंडिया में ऐसी आपको किताब मिलने वाली नहीं है मेरे साथ में दो स्टूडेंट्स हैं हमारे दिल्ली से आई है लवी हैज एट्टी 81 इन ऑडिट 81, 81 in audit इन ऑडिट इज लाइक accounts or ऑफ Lavi has कॉस्टिंग लवी हैज कम और हमारे साथ में अर्नव है एंड हीज द रिसेंट उसका भी रिजल्ट आना बाकी है गाइज मैं आपको बताऊ कितने लोग डायरेक्ट एंट्री से डायरेक्ट एंट्री वाले कभी कभी खुद को थोड़ा कम समझते थोड़ा कॉम्प्लेक्स आता है यस नो मैं आपको बता दूं लवी गुप्ता स्कोर 81 एंड शी इज फ्रॉम डायरेक्ट एंट्री इज फ्रॉम डायरेक्ट एंट्री और मैं ऑनलाइन वालों को बताना चाहता हूं इज फ्रॉम मुंबई इज फ्रॉम मुंबई उसने पूरी क्लासेस पूरी ग्रुप टू पूरी ग्रुप वन ग्रुप टू वी स्मार्ट से की है और मुझे पूरी उम्मीद है बोध रूप तो क्लियर करेगा और सब अच्छा रहा तो रैंक भी ठोकेगा तो ऑनलाइन वालों आप भी खुद को कम ना समझे और आप भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते गाइज अभी शुभम सर की क्लास हुई तो भाई वहां पे था बड़ी हो तो कैसा हो शुभम सर जैसा हो तो और भैया में भैया करेक्ट अरे नाला मेरे नाला क्या जीएसटी गुरु नहीं फाउंडर हो तो कैसा हो Guys, uh, I will not just be audit professor, but I will be a mentor for you guys. Not just for the audit subject, लेकिन yahan से बोध रूप कैसे क्लियर करना है रैंक कैसे लाना है इन सब के लिए मैं आपको बता दू कि क्योंकि मैं सिर्फ ऑडिट पढ़ाता हूं आई डोंट टीच एट फाउंडेशन लेवल आई डोंट टीच एनी अदर सब्जेक्ट और मेरी अभी सिर्फ आपकी ये बैच है तो जो पूरे एफर्ट्स रहेंगे आपके आपके डाउट्स आपका गाइडेंस इसी के ऊपर रहेंगे मैं आपको यही बोलूंगा बहुत सारे बच्चे रजिस्टर कर चुके हैं और कुछ लोग सोच रहे हैं अटेंड द फर्स्ट क्लास द वे यू विल कनेक्ट एंड द फन वी आर गोइंग टू हैव दैट विल बी अनकंपेरेबल लेट मी अश्योर नॉट जस्ट इन पुणे यू विल बी गेटिंग द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया ओके लवी और ओके अच्छा अर्नव मस्ट देर अर्नव को बुला लो माइक माइक है अच्छा नहीं सर मैं देता प्रशांत सर को प्रशांत सर लवी गाय शी स्कोर एटी वन और वो भी लेटेस्ट एग्जाम्स में मैं लवी को एंड ऑडिट के क्लास में उनसे और मिलेंगे तोड़ मालिक अरे सर 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 शेर आया भाई so, जोरदार तालियां हो जाए मैं आपको बता दू लवी लवी ने भी करेक्ट लवी ने भी ग्रुप टू के सब्जेक्ट्स के क्लासेस लिए हुए हैं वी स्मार्ट से अर्नव ने तो पूरा ग्रुप वन और ग्रुप टू किया हुआ है करेक्ट मैं क्विकली लवी और अर्नब है फिर उसके बाद में सर लोगों से हम लोग बात करेंगे लवी 81 आपने स्कोर किया था और मुझे लगता है रिवीजन कितना भी अच्छा आप पढ़ लो सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन है आप क्विकली एक दो लाइन में आप बताइए कि रिवीजन के लिए आपने क्या किया था हेलो एवरीवन सो गुप्ता हेलो एवरीवन I Am I audible to all? Yeah. Okay. Myself, Lavi. Five minutes. Five minutes only. As yeah. <laughs> I told about myself. Okay. So close recently, the door. I have qualified May twenty-three exam, and I have scored eighty-one in audit. Door close, By door. direct entry. So, basically, when it comes to a question, how to do the revision of audit? or it is a very vast subject, as you all know not only taking the classes is sufficient, you have to take the revision like on continuous basis, right? So for audit, basically, you have to revise it on a daily basis. And what to revise, you have to like, you have your material like Bhaskar and Param and Fadu. So first is like, go with the Bhaskar, then Fadu, daily, daily revise, see charts, what is the linking, hai, kya flow, hai, kya hierarchy based charts, hai, colorful, hai, so that you keep comfortable with them. and uh,

काइंड ऑफ एनर्जी मतलब बंदा मुंबई में बैठता था लेकिन चैट में इतना धमाल मचाता था कि फेस टू फेस वाले बच्चों को पता था अर्नव आया क्या सर ऑनलाइन आज अर्नव छुट्टी पे लगता है जितनी बातें और चैट आप नहीं करते उससे ज्यादा अर्नव करता था अर्नव क्विकली जो ग्रुप टू तूने जो मजा लिया और तूने जो परफॉर्म किया उसके बारे में गुड मॉर्निंग आर्यना आवाज मस्त है सब एकदम एकदम <laughs> विशाल सर के क्लास में ऑब्वियसली मस्त हो गए सब बेटा चल पार्टी देता हूँ सबको लगता है ऑनलाइन बैठ के बोर होता है क्या है इतना स्क्रीन के सामने बैठ के क्या करोगे इतने घंटे बट आई रियलाइज कि अगर सर के साथ बातें करते रहो कीप कीप कनेक्टिंग विद देम ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाओ यू मेक अ गुड एनवायरमेंट ऑनलाइन लोगों लगता है बोर होता है बोर होता है क्या करना है स्क्रीन के सामने बैठ के अरे यार बट वो स्क्रीन के सामने बैठ के क्या क्या नहीं हो सकता है यार <laughs> खड़ा मैं पे अभी एग्जाम दे के आया हूँ और इन लोगों ने मुझे बुलाया है आई हैव कम मतलब इट्स अ वेरी इट्स अ वेरी बैड मिथ अबाउट ऑनलाइन क्लासेस की बोर होता है ये होता है वो होता है बट आई थिंक इफ यू प्रॉपरली कनेक्ट विदर्स बात करते रहो उनकी एडवाइस लेते रहो भाई ये लोग सीए बन गए ये इक्वली फेस टू तो फेस वालों के लिए भी एना इक्वली एप्लीकेबल टू फेस टू फेस और अर्नो से और बात करेंगे ऑडिट के क्लास में नाउ प्रशांत सर हु इज गोइंग टू टीच एफएम द एफएम चैंपियन गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स जोश में हो फर्स्ट <laughs> डे <day> आपका आज ग्रुप 2 का प्रशांत प्रशांत सर को हम चॉकलेट बॉय कहते हैं तो आई एम श्योर फर्स्ट आपका ओपनिंग सेशन जो हुआ वो तो जीएसटी मतलब विशाल सर के साथ हुआ है अमेजिंग सुपर स्टार्ट ऑफ द डे एकदम फुल ऑफ एनर्जी रहेगा yeah. आप समझ रहे हो क्या yeah. ये देख रहे हो अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी रहेगा और फाइनेंशियल uh, मैनेजमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉन्सेप्टचुअली ये क्या हो गया भाई अचानक से भाई साहब Okay, please, please. Uh, please. Please. सुन लिया yeah. प्लीज uh, मैं समझ गया आपका जोश किस साइड था <laughs> <laughs> तो हो गया okay. बोलू कुछ <laughs> तो गई एफ एम का क्लास जो है वो आज साढ़े तीन बजे होगा ओके okay, एवरी डे साढ़े तीन बजे एफ एम का क्लास रहेगा एंड एवरी डे फाइव फोटी फाइव तक एफ एम रहेगा उसके बाद एक फिफ्टीन मिनट्स का ब्रेक रहेगा फिर एफ एम का क्लास रहेगा ऑफकोर्स आपका अगला क्लास तो ऑडिट का ही है एंड एफ एम के अंदर अगर आपको ऐसा इच्छा है कुछ कॉन्सेपचुअली फार्मूलेस डिराइव करे जो आंसर्स आ रहे हैं उसके इंटरप्रिटेशन करें रादर देन जस्ट मगिंग अप द फॉर्मूलाज तो डेफिनेटली आज साढ़े तीन बजे हम लोग मिल रहे हैं और रोज मिलेंगे आगे साढ़े तीन बजे ठीक yes. है तो कैटेगरी ऑफ जोश रोज चाहिए अपने को yes. तोड़ मालिक। सो yes. so, भाई गुड मॉर्निंग मालिक हो फुली एवरीबडी इज डूइंग गुड और आशा करता हूं कि आप लोग तोड़ कर रहे होंगे मालिक yes. तो आपका सुबह तो तोड़ चालू ही हो है। और एंड डे को अंत करने के लिए मां कसम बस इतना है कि कैसे स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए क्या होनी चाहिए ओके जैसे प्रशांत सर ने बोला कि तक, exactly पौने छह बजे तक एग्जैक्टली पौने छह बजे <laughs> तक एग्जेक्टली पौने छह बजे सर पौने छह बजे तक प्रशांत सर लेंगे और छह बजे से अपन चालू करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो आपका बैलेंस फिफ्टी मार्क्स का रहेगा ओके ऑफ द डे सिक्स ओ कलॉल स्टार्ट आउट एंड एंड एट सेवन फिफ्टीन पी एम ए एम नहीं हाँ नहीं तो आई बेट यू विल है बेस्ट वन आवर टू एंड द लेक्सोड मालिक बाकी तो बाकी कहानी लेक्चर में देखते हैं मालिक हेलो मैं बस यहाँ आया था आपको ऑल द बेस्ट बोलने गाइस ग्रुप टू के लिए ऑल द बेस्ट मेरा गला खराब है आप सबको पता है so, आ, यहां पे, जैसे में, ने आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीचिंग दिया फॉर ऑल सब्जेक्ट तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि ग्रुप टू में भी आप वी स्मार्ट से ये एक्सपेक्ट कर सकते हो ग्रुप टू में भी सारी हमारी फैकल्टीज आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीचिंग देंगे और जिस तरह से आपको ग्रुप वन के सब्जेक्ट क्लास में हुए इंटरेस्टिंग हुए उसी तरह से ग्रुप टू के भी सब्जेक्ट आपके इंटरेस्टिंग हो गए सो ऑल द बेस्ट और अब नेक्स्ट मिलते हैं ऑडिट के लिए थैंक यू थैंक यू सो मच